हेलो बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग स्वागत है बच्चों आपका डाउट लर्न फन क्लास टेंथ के चैनल पे हम हैं विवेक आपके मैथ्स के भैया और आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग मजेदार चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन याद रखना ये आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास लग रही है और इस चैप्टर का हम वन शॉट लेके आए हैं मतलब एक पूरे लेक्चर में सारा का सारा चैप्टर समझाएंगे करवाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट हैं कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक कुछ छोटा छोटा ज्ञान दे देते हैं क्या की चैप्टर में है क्या क्या ठीक है चैप्टर में बेसिकली सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन होगा कि भाई एपी का इंट्रोडक्शन उसके बाद ऑफ एपी कैसे निकाली जाती है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सम ऑफ ऑफ फर्स्ट टर्म्स एपी कैसे फाइंड करते हैं इसका आपका प्रूफ भी है इसका क्या है आपका प्रूफ भी है तो इसका प्रूफ भी करवाया जाएगा ठीक है प्रूफ भी करवाया जाएगा और आखिरी में है एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने के लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं यहां से यूजुअली केस स्टडी बनता है ठीक है और आप लोगों को पता है कि केस स्टडी कितने मार्क्स का आता है ठीक है वो बहुत अच्छे से पता है कि कितने मार्क्स का आता है ठीक है अच्छा अब यहां से एक और जरूरी सूचना क्या देखो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है

ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है ठीक है और अगर छह मार्क्स का है तो तीन मार्क्स का एक क्वेश्चन दो मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक मार्क्स का एक क्वेश्चन ठीक है ज्यादा नहीं छह से ज्यादा का होगा भी नहीं है ठीक है? अब ये कहा, कहा की वेटेज बता रहे हैं ये बता रहे हैं फाइनल फाइनल पेपर की वेटेज जो कि टोटल कितने मार्क्स का होता है 80 मार्क्स का होता है 80 मार्क्स में से पांच या छह मार्क्स का आएगा अब आपका पेपर लगाओ हाफ एयरली एग्जाम हाफ एयरली एग्जाम में एपी लगा लो कितने मार्क्स का आएगा लगभग दुग्ना दस से बारह मार्क्स का अकेला यह चैप्टर रखेगा अगर आपके ईयरली एग्जाम्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ रहा है तो ठीक है तो देख लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो तो एपी स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की तो कोई बच्चा है जो हमें बता सकता है कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे डिफाइन करोगे या होता क्या है है ना ये प्रोग्रेशन होती क्या है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है कैसे डिफाइन करें जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे फटाफट इसको खत्म करेंगे वन शॉट है ठीक है हाँ जी बताइए कमेंट कीजिए लाइक करिए शाबाश बताओ हम सुन रहे हैं अच्छा देख भी रहे हैं ठीक है बता दो हमें ऐसा मत सोचना कि हमें नहीं दिख रहा बिल्कुल दिख रहा है ठीक है आपके कमेंट्स खोल के बिल्कुल देखेंगे हम चलो देखो सिंपल सी बात है जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है एक ऐसी क्या होती है सीक्वेंस होती है अच्छा ये सीक्वेंस वर्ड का मतलब क्या होता है अब अच्छा यहां लिख तो दिया हमने सीक्वेंस अब ये सीक्वेंस का मतलब होता है एक ऐसी ऐसा पैटर्न एक ऐसा लिस्ट ऑफ अ नंबर जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रही है एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रही है जैसे कि टू थ्री फोर फाइव सिक्स या फिर फोर एट अच्छा फोर सिक्स अच्छा फोर एट बोला तो एट देते so एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रही है जिसका हम क्या निकाल सकते हैं टर्म निकाल सकते हैं तो एपी के बारे में अगर बात करें तो एपी क्या होती है एक सीक्वेंस होती है सीक्वेंस का मतलब होता है जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करती है जो कि क्या है एक सीक्वेंस इन विच फर्स्ट जो पहली टर्म होगी वो क्या रहेगी फिक्स उसके बाद जो दूसरी तीसरी चौथी टर्म्स ऑप्टेन की है जो तीसरी चौथी पांचवी टर्म्स निकाली गई है उसमें कुछ एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके निकाला गया है कुछ एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके फिक्स्ड नंबर ऐड करके निकाला गया है मतलब अगर सेकंड टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म में कुछ ना कुछ ऐड किया है थर्ड टर्म निकालनी है तो सेकंड टर्म में कुछ ना कुछ एक फिक्स्ड टर्म ऐड करी है जो फर्स्ट में ऐड किया था वही सेकंड में ऐड करेंगे ठीक है अब इस सीक्वेंस को बोला जाता है कैसे लिखा जाता है ऐसे ए वन ए टू ए थ्री डैश डैश अपू एनथर्म अब ये टर्म टर्म का मतलब क्या होता है ये होता है आपका लास्ट टर्म ठीक है इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि यह आखिरी टर्म है किसी भी एक सीरीज की ठीक है इसको बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं ऐसे भी ले सकते हो आप ग्यारह पंद्रह ठीक है उसके बाद उन्नीस ठीक है ऐसे तेईस एंड सो ऑन समझने के लिए ठीक है इसमें क्या है अगर पहली दूसरी तीसरी तीनों पैटर्न देखो ध्यान से देखो तो जो पहला पैटर्न है जो पहली सीरीज है इसमें क्या है पहला नंबर फिक्स है अच्छा इसके बाद ये कितने का है प्लस वन का यहां भी प्लस वन का यहां भी प्लस वन का और इधर भी प्लस वन का क्या है एडिशन हुई है प्लस वन की एडिशन हुई है सिमिलरली यहां भी देख लो प्लस फोर की एडिशन हुई है यहां भी प्लस फोर की एडिशन हुई है अब एग्जाम्पल हमने ऐसा नहीं लिया था कि प्लस प्लस लेंगे अब आप कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर देखो ऐसा है भैया कि ये इधर भी प्लस वन एड हुआ है इधर भी प्लस हुआ है इधर भी प्लस हुआ है तो क्या जो फिक्स्ड नंबर होता है जो ऐड होता है पहली में दूसरी में तीसरी में क्या वो प्लस का ही होता है नहीं जरूरी नहीं है कि वो प्लस का हो यहां हमने इसलिए लिख भी रखा है जो फिक्स्ड नंबर होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है वो क्या हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है अब एक छोटी सी सूचना और इसके रिगार्डिंग अब ये जो फिक्स नंबर होता है इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस इसे क्या बोला जाता है कॉमन डिफरेंस अब इस कॉमन डिफरेंस को किस किस अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से इसको डिनोट किया जाता है इसको किससे डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है अभी अभी ये चीज भी बताई है नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है मतलब ये सीरीज आपकी कुछ ऐसे भी हो सकती है माइनस का वन माइनस का सिक्स माइनस का इलेवन एंड सो ओन ठीक है अब यहां अगर इस सीरीज को देखो ये क्या है ये सब के सब क्या है नेगेटिव में है मतलब ये जो है इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसमें कॉमन डिफरेंस होगा नेगेटिव का ठीक है इसमें डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या होगा नेगेटिव का और इससे नीचे जो सीरीज देख रहे हो इससे नीचे जो पैटर्न सीक्वेंस देख रहे हो उसमें क्या है इसमें क्या है वन बाई, वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू ये भी क्या है ये भी एपी है ये भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्यों क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें कॉमन डिफरेंस है जीरो तो सेम तो है ना मतलब ये बोला जाता है सिंपल भाषा में कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें पैटर्न फिक्स है मतलब एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है यहां जितना ऐड होगा उतना इसमें ऐड होगा उतना इधर ऐड होगा उतना इधर ऐड होगा आई बात समझ में क्लियर है अब बात करते हैं थोड़ा सा जनरल टर्म की ठीक है जनरल टर्म ऑफ एपी अब ये जनरल टर्म क्या होती है देखो ऐसा होता है जब हम एपी पढ़ते हैं तो एपी में जो फर्स्ट टर्म होती है जो एपी में फर्स्ट टर्म मतलब पहली टर्म जो होती है उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल ए से किससे डिनोट किया जाता है स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है ऐसे ही कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस का तो अभी हमने बता दिया कॉमन डिफरेंस को किससे बताया जाता है स्मॉल डी से ठीक है अब सुनना ध्यान से फर्स्ट टर्म को कैसे लिखा जाएगा ए सेकेंड टर्म को कैसे लिखा जाएगा सेकेंड टर्म को लिखा जाएगा ए प्लस डी क्या बताया था फॉर्मूले में uh, uh, में A1 में एक फिक्स्ड नंबर ऐड होगा मतलब डी ऐसे ही अगर थर्ड टर्म ऑप्टेन करें तो उसमें क्या होगा उसमें होगा ए टू प्लस डी ए टू प्लस डी अब ए टू क्या है ए टू है ए प्लस डी और d ऐड करेंगे तो ये क्या इतना बन जाएगा ये बन जाता है a प्लस टू डी मतलब थर्ड टर्म क्या होगी थर्ड टर्म होगी a प्लस टू डी सिमिलरली ऐसी ही सारी सीरीज निकलती हैं और इसको हम ऐसे बोलते हैं a प्लस टू डी सिमिलरली ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन ये चलता ही जाता है ये क्या है ये आपका चलता ही जाता है ये आपकी फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है और ये आगे चलते चलते ऐसे ही एनेथ टर्म मतलब लास्ट टर्म बनाती है क्लियर है फंडा अभी एनेथ टर्म भी समझाएंगे बट उसको समझाने से पहले एक बार फटाफट आप लोगों को ये जरा बताना जरूरी है कि आप आइडेंटिटिफाई कैसे करोगे कि ये ए है कि नहीं है जैसा कि हम डेफिनेशन के तौर पे आप लोगों को बता चुके हैं कि एपी क्या होता है एक फिक्स नंबर एडअप होगा फिक्स नंबर ऐड होगा फिक्स नंबर है तो वो एपी है नहीं है तो नहीं है ठीक है अब एक क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने जो कि क्या है ये बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इसमें से बोला गया है कि इसमें से कौन सा एक एपी है ठीक है इसमें से बोला गया है कि इनमें से कौन सा एक एपी है पहले तो आपको बताना है चार पार्ट्स गिवन है चारों पार्ट्स में बताना है भाई कौन सा एपी है पहली चीज अच्छा दूसरी चीज अगर एपी होगा अगर ए पी होगा ठीक है तो उसके बाद क्या करना है भाई अगर ए पी है तो हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस और उसके बाद तीन और टर्म्स लिखनी है उसकी तीन और टर्म्स लिखो ठीक है अगर एपी नहीं है तो फिर कुछ नहीं करना भाई एपी नहीं है सिंपल सी बात है एपी नहीं है ठीक है तो ध्यान से समझेंगे आराम से करेंगे प्यारे तरीके से आप लोगों को समझाएंगे कि भाई डी क्या है ठीक है तो सबसे पहले पहला पार्ट है आपकी स्क्रीन पर ये रहा अब इसको अगर हम देखें रूट थ्री रूट सिक्स रूट नाइन रूट ट्वेल्व तो रूट थ्री को तो अपन लोग रूट थ्री ही लिख सकते हैं रूट सिक्स को रूट सिक्स ही लिखेंगे रूट नाइन को लिख सकते हैं थ्री ठीक है और रूट ट्वेल्व को लिख सकते हैं टू रूट थ्री ठीक है इसको फर्दर ऐसे ही लिख सकते हैं अब डी का मतलब डी मतलब कॉमन डिफरेंस ए P, कब होता है एपी तब होता है जब आपका ए टू माइनस ए वन किसके बराबर हो ए थ्री माइनस ए टू के बराबर हो या फिर ए ए फोर माइनस ए फाइव के एफ थ्री के बराबर हो या तो आपका टर्म माइनस ए एन माइनस वन के बराबर हो ये होता है आपका क्या ये होता है डी ये सब सेम होने चाहिए तब जाके आपका ए पी होता है मतलब पूरी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम ही होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए भाई यहां सेम है यहाँ सेम है यहाँ अलग हो गया तो फिर वो ए पी किस बात का तो फिर ए पी का डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा तो वो ए पी है भी नहीं तो यहां से अगर हम थोड़ा सा आगे ही देखें भाई इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो ये क्या होगा रूट सिक्स माइनस रूट थ्री ठीक है ये क्या निकाला है ए टू माइनस ए वन निकाला है ए थ्री माइनस ए टू करें तो ये क्या होगा थ्री माइनस रूट सिक्स अब चाहे आप प्रैक्टिकली इनको सॉल्व कर लो तो ये दोनों वैसे भी इक्वल नहीं है प्रैक्टिकली सॉल्व करो यहां पे हम क्लियरली बोल सकते हैं जो ए थ्री माइनस ए टू है वो आपका इक्वल ही नहीं है ए टू के साथ ए टू माइनस ए वन के साथ ही इक्वल नहीं है तो ये आपका एपी ही नहीं है ये वाली टर्म क्या है आपकी एपी ही नहीं है नॉट एन एपी ये क्या होगा नॉट एन एपी ठीक है अब वो पहले देख के ही पता लग रहा था अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे वो सोचेंगे रूट ही तो है रूट सिक्स को रूट थ्री में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट थ्री आएगा रूट नाइन को रूट सिक्स में से माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा रूट थ्री ही तो आएगा रूट ट्वेल्व को रूट नाइन से माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा रूट थ्री आएगा बच्चे ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता है ये रूट की वैल्यू अगर हम बात करें सुनना ध्यान से एक और इंपॉर्टेंट बात इस रूट सिक्स की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू होती है आ, टू पॉइंट समथिंग समथिंग ठीक है और रूट थ्री की वैल्यू होती है वन सेवन वन, वन वन सेवन. ऐसी कुछ होती है अब इन दोनों को माइनस करोगे जीरो कुछ करके आ रहा है थ्री माइनस थ्री ये होगा और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है टू पॉइंट तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट नाइन के आसपास ये वैल्यू आ रही है और ये आ रही है जीरो पॉइंट सिक्स के आसपास तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस है ठीक है रूट को हम डायरेक्टली ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते ये मतलब यहां से समझना बच्चों कि आप ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते कि रूट सिक्स माइनस का रूट थ्री आपका रूट थ्री के बराबर होता है ठीक है अगर आप ये कर रहे हो तो ये आप बहुत बड़ा बलंडर कर रहे हो ये गलत है ऐसे नहीं करना है रूट सिक्स माइनस रूट थ्री रूट थ्री नहीं होता है ठीक है ये मिस्टेक्स होती है हो जाती है कभी कभार हो जाती है कभी बच्चों का ध्यान नहीं रहता तो रूट थ्री लिख देते हैं बोल देते हैं हाँ हाँ ये तो एपी है ठीक है चलो अब ये वाला बात करते हैं अब देखने से तो यह भी पता लग रहा है कि ये एपी नहीं है तो क्लियरली ये भी क्या है नॉट एन एपी ये भी क्या है यह भी एपी नहीं है अच्छा इसको अगर पूरा क्लियरली डिफाइन करा जाए तो कैसे करोगे भाई डी क्या होना चाहिए डी होना चाहिए ए टू माइनस का ए वन या फिर ए थ्री माइनस का ए टू बाकी आगे जाने की जरूरत ही नहीं है अच्छा अगर सॉल्व करने बैठे तो यह देखो कितना आएगा ए टू माइनस ए वन की बात करते हैं यह आएगा ए स्क्वायर माइनस का ए ठीक है अब यहां से ए अगर मैं बाहर निकालू अंदर बच रहा है ए माइनस का वन ठीक है ये क्या निकाला ये निकाला हमने ए टू माइनस ए वन अब क्या निकालते हैं ए थ्री माइनस ए टू ए थ्री माइनस ए टू करेंगे तो ये होगा ए क्यूब माइनस का ए स्क्वायर ये बन जाएगा ए स्क्वायर ब्राकेट ए माइनस का वन बताओ कहां से इक्वल है ये ये दोनों कहां से इक्वल है कहीं से भी इक्वल नहीं है तो ये भी क्या होगा नॉट एन एपी का केस होगा ठीक है ये भी क्या होगा नॉट एन एपी का केस होगा ये भी आपका एपी नहीं है ठीक है इतना क्लियर हो गया चलो आगे बढ़ते हैं आगे अब हम मान के चल सकते हैं कि आप लोगों को समझ आया कि करना कैसे है ठीक है एक इसमें से देंगे आपको एक खुद सॉल्व करने के लिए देंगे बाकी हम करवा देंगे आप लोगों को ठीक है यहां भी क्या करना है यहां भी डी की बात हो रही है ये हो जाएगा ए टू माइनस का ए वन इजिक्वल्स टू ए थ्री माइनस का ए टू ठीक है तो यहां से अगर सॉल्व करने बैठे तो देखो पहले बात कर रहे हैं ए टू माइनस की ए टू कितना है माइनस का थ्री पॉइंट टू माइनस का ए वन कितना है वो है माइनस का वन पॉइंट टू अब इसको सॉल्व करें तो ये कितना माइनस का टू पॉइंट टू ये कितना आ गया माइनस का टू पॉइंट टू ये किसकी वैल्यू है ए टू माइनस ए वन ये किसकी वैल्यू निकाली है ए टू माइनस एवन अब यहां निकालते हैं ए थ्री माइनस ए टू तो ये हो जाएगा ए थ्री है माइनस का फाइव पॉइंट टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा थ्री पॉइंट टू बन जाएगा आपका कितना टू पॉइंट टू माइनस का ही क्या बन जाएगा टू पॉइंट टू ही बन जाएगा माइनस का मतलब देखो ये भी डी है ये है दोनों क्या है डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर्स कितना आ रहा है सेम आ रहा है माइनस का टू पॉइंट टू आ रहा है मतलब ये आपकी एक ए पी है मतलब ओके एन ए पी ये क्या है एपी है बट हमारे पास क्वेश्चन था कि अगर एपी होगा तो नेक्स्ट तीन टर्म्स भी निकालो भाई यहीं पे आपको देख के पता लग रहा है वन के बाद थ्री थ्री के बाद फाइव फाइव के बाद सेवन सेवन के बाद क्या आएगा सेवन के बाद क्या आएगा नाइन पॉइंट टू माइनस का होगा उसके बाद माइनस का इलेवन पॉइंट टू उसके बाद माइनस का थर्टीन पॉइंट टू उसके बाद माइनस का फिफ्टीन है ना ए है अगर एपी है तो नेक्स्ट तीन टर्म्स निकालो बाकी आपको सिंपल नहीं समझ आ रहा

ये क्या होगा कैंसिल आउट माइनस का टू आएगा माइनस का टू आएगा ठीक है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है अभी आपके भैया ने मिस्टेक कर दी थी वो तो बच गए हम पता लग गया तुरंत ही पता लग गया ठीक है टू चलो नेक्स्ट बात करते हैं अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना ठीक है ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो ठीक है ये खुद का आपका क्वेश्चन है इसको ट्राई करना कोशिश करना नहीं होगा तो हम तो हैं ही ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन है चेक करना है एपी है कि नहीं है एपी होगा तो नेक्स्ट तीन टर्म्स निकालो नहीं होगा तो फिर तो नहीं ही है नॉट एन एपी फिर तो उसको कुछ नहीं कर सकते ठीक है आगे आते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बोला क्या गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ अ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई रीजन देना है वाई क्यों है ठीक है क्यों है ठीक है अच्छा ये वर्ड पहले तो इन वर्ड प्रॉब्लम से आपको सीक्वेंस बनानी है टर्म्स निकालने हैं ठीक है टर्म्स क्या होती है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस का एक नंबर को टर्म बोला जाता है ठीक है अब यहां पे पहला पार्ट है आपका पहला पार्ट क्या है कि भाई एक टैक्सी ड्राइवर है टैक्सी का फेयर जो होता है वो क्या होता है ईच किलोमीटर पर पड़ता है जहां पे वेन फेयर इज फिफ्टीन रुपीज फ्रॉम द फर्स्ट किलोमीटर एक किलोमीटर पे कितना है पंद्रह रुपये मतलब यहाँ से लेके टैक्सी चली एक किलोमीटर तक ये कितने रुपये बन गए ये पंद्रह रुपये बन गए अब एक किलोमीटर के पंद्रह रुपये बन गए आगे चल के हर एक किलोमीटर में आठ रुपये एडअप होते जाएंगे मतलब पहले किलोमीटर का पंद्रह रुपये है उसके बाद कितना हो जाएगा भाई पंद्रह प्लस आठ उसके बाद कितना हो जाएगा पंद्रह प्लस आठ प्लस आठ ठीक है ये कितने का है ये एक किलोमीटर का है ये कितने का है ये दो किलोमीटर का है ये कितने का है ये तीन किलोमीटर का है सिमिलरली चलता चला जाएगा आपका सिमिलरली ये ऐसा ही चलता चला जाएगा ठीक है ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही निकलता चला जाएगा अब हमने जो सीरीज बनाई है देखो फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस एट फिफ्टीन प्लस एट प्लस एट इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो कितना है प्लस एट का इन दोनों का डिफरेंस देखें तो वो कितने का है वो भी प्लस एट का है और उसके बाद देखें तो तो वो वो कितने का होगा वो भी प्लस तो एट का ही होगा वो भी कितने का होगा प्लस एट का मतलब यहां पे जो डिफरेंस बन रहा है वो डी बन रहा है वो कॉमन डिफरेंस एट बन रहा है मतलब ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है कौन सा पैटर्न यही था ना कि जब ए पी होगा तो ये चीज सेम मानी चाहिए ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू एंड सो ऑन ये तो सभी सेम आ रहा है भाई अगला भी ले तो फेयर तो सेम ही पड़ेगा प्लस आठ होता जाएगा तो ये वाला क्या है यस इट इज एन एपी एन एपी ये आपका एपी है ठीक है वर्ड प्रॉब्लम जिसमें आपको यह बताना था कि एपी है कि नहीं है क्वेश्चन यही था ना कि एपी है कि नहीं है है तो क्यों है रीजन बताओ भाई यहां पे हमने जब सीरीज बनाई इसको आप सिंपली ऐड कर सकते हो 15 15 प्लस एट कितना होता है यहां लिख दोगे 15 प्लस सिक्सटीन कितना होता है वो भी आप लिख सकते हो फिर ऐसे ही आप सिक्वेंस निकाल सकते हो इसका आराम से ठीक है बट आप जब ऑब्जर्व करोगे प्लस एट का यहां पर डिफरेंस दूसरे से तीसरे किलोमीटर पर जाएंगे प्लस एट का तीसरे से चौथे पे जाएंगे प्लस एट का तीसरे से चौथे पे फिर प्लस चौथे से पांचवे पे फिर प्लस का एट ठीक है ये चीज आप अपने आप ऑब्जर्व कर सकते हो समझ सकते हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम में बोला क्या गया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव वन फोर्थ ऑफ इट्स एयर अब ये वाला आप करोगे होमवर्क ये वाला है आपका योसल्फ वाला क्वेश्चन ठीक है इसको ट्राई करना ट्राई करना कि ए है कि नहीं है अब हो क्या रहा है हिंदी भाषा में अगर इसको समझाएं देखो हो क्या रहा है एयर प्रेशर है वैक्यूम वैक्यूम पंप पंप है 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 क्या करता एयर बाहर निकाल लेता ठीक है ठीके? वन फोर्थ एयर क्या निकाल लेता है बाहर निकाल लेता है तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊं कि स्टार्टिंग में एयर कितनी थी सौ थी तो वन बाय क्या कर दी निकाल दी अच्छा वन फोर वन बाय फोर क्या है रिमेनिंग है

होमवर्क था ठीक है ठीक है ये करना खुद सीरीज वैसे हम बना चुके हैं आप अपने हिसाब से बनाना एक्स, वैक्स चलना। एक्स फिर एक्स बाय फोर फिर एक्स सिक्सटीन एक्स बाय ठीक है एक्स फोर एंड सो ऑन ठीक है तो ये आपका योर सेल्फ है ये वाला होमवर्क ठीक है ट्राई करना कोशिश करना वैसे करवा तो दिया आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो हमने करवा दिया ठीक है अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक जो कि आपका क्या होता है एनथर्म ऑफ एपी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छा मतलब स्कोरिंग पॉइंट स्कोरिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो आप इस चैप्टर में अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गए तो देखो है क्या बोला यह गया है कि एनेथ टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है एनथ टर्म ऑफ एपी की अगर हम बात करें जैसे कि अभी अभी हमने जनरल टर्म निकाली थी वो क्या थी वो थी आपकी ए ऐसी थी ना ए फिर क्या निकली थी वो निकली थी ए प्लस डी फिर उसके बाद क्या निकला था उसके बाद निकला था ए प्लस टू डी ऐसे ही ए प्लस थ्री डी ऐसे ही कुछ करके निकला था ऐसी निकली थी अब यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हमने किया फर्स्ट टर्म में एक डी नहीं है सेकेंड टर्म में सिर्फ एक डी है थर्ड टर्म में दो डी है फोर्थ टर्म में तीन ही डी है मतलब जैसे

प्लस एन माइनस वन इंटू डी आया समझ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जहां पे ए क्या है फर्स्ट टर्म एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे लिख लो याद रखने के लिए ए क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी डी क्या है डी है कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस और एन क्या होता है एन होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स एन क्या होता है एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये डिफाइन करता है ये है आपका फॉर्मूला किसका टर्म ऑफ एपी का ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ठीक है सभी को क्लियर है अब इससे रिलेटेड एक आधे क्वेश्चन कर लेते हैं एक आधे ज्यादा नहीं एक आधे गिने चुने क्वेश्चन करेंगे फिर सम पे जाएंगे और फिर बात करेंगे प्यारे क्वेश्चन की जो कि आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं ठीक है बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है यहां पे भी जितने क्वेश्चन लेके आए हैं रिपीटेड क्वेश्चन हैं बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं मतलब एक से दो बार दो से तीन बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं बोर्ड में आपके सीबीएसई बोर्ड में 2012, 14, 15, 18, 19, 20 बाईस इक्कीस में आए हुए क्वेश्चन हैं ठीक है चलो तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एनथ टर्म का वो क्या है वो है ये एन एपी एपी कंसिस्ट ऑफ टर्म्स टर्म्स एक AP के पास कितनी हैं टोटल पचास टर्म है ठीक है ऑफ विच थर्ड टर्म किसके बराबर है बारह के बराबर है थर्ड टर्म किसके बराबर है ए है ट्वेल्व के बराबर ठीक है एंड द लास्ट टर्म इज वन जीरो टर्म किसके बराबर है अब ये लास्ट टर्म कौन सी होगी अब लास्ट टर्म कैसे पता लगेगा स्टार्टिंग से पता लगेगा एपी कंसिस्ट ऑफ कितनी एपी है? एपी में कितनी टर्म्स पचास टर्म है तो जो वो कौन सी टर्म होगी हो तो एक सौ छह हमें क्या फाइंड करना है तो यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा सिंपल सबका चहिता टर्म का फॉर्मूला टर्म क्या होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी यही लगेगा तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं जो ए थ्री है वो है दस के बराबर और इसको हम बोल सकते हैं ए प्लस टू डी सिमिलरली जो हमारा ए फिफ्टी है उसको हम कैसे बोल सकते हैं ए फिफ्टी बेसिकली एक सौ के बराबर है उसको बोल सकते हैं ए प्लस फोर्टी नाइन डी अब ये बन गया आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तो क्वेश्चन है ही ये बन गया अब लीनियर इक्वेशन

ये हो जाएगा सिक्स नाइनटी सिक्स तो डी की वैल्यू कितनी आ गई टू डी विल बी टू डी जीकोस टू नाइंटी सिक्स बायन सिक्स होगा क्या वन जीरो सिक्स डिवाइडेड देखो देखो ये ट्वेल्व है थर्ड टर्म किसके बराबर है बारह के बराबर है यहां भी बारह लिखा बट यहां लिख दिया दस ठीक है ये मिस्टेक ऐसे मिस्टेक्स को बोला जाता है कॉपीड्रॉन्ग ऐसे मिस्टेक्स को बोला जाता है कॉपी ड्रोम यहां टीचर दया भाव नहीं दिखाता है ऐसे केस में टीचर दया भाव नहीं दिखाता है मिलेंगे फिर भी जीरो मार्क्स यहां पे ठीक है क्योंकि टीचर को लगेगा क्या बच्चा है कॉपी ही गलत कर रहा है तो फिर कैसे करेगा काम है ना कॉपी ही गलत कर रहा है फिर कैसे करेगा काम तो ये हो जाएगा बारह और ये हो जाएगा चार तो डी की वैल्यू आएगी आपकी टू के बराबर यस डी विल बीव टू टू डी अगर टू आ गया तो वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो गया भाई जैसे कि हमें पता है ए थ्री था बारह के बराबर जो कि था ए प्लस टू डी तो यहां से जब डी की वैल्यू जाएगी टू तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये हो जाएगा 8. A की वैल्यू कितनी आ गई एट ए पता है एट डी पता है टू क्या फाइंड करना है ट्वेंटी नाइन टर्म सिंपली फाइंड कर लोगे ए ट्वेंटी नाइन इज टू ए प्लस ट्वेंटी एट डी ए एंड डी की वैल्यू पुट करो ए एंड डी की वैल्यू पुट करो आंसर पाओ ठीक है अब यहां सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बच जाता बच जाता है इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ठीक है ये था एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन ठीक है अनिथर्म से रिलेटेड एनेथ टर्म से रिलेटेड चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा चेक करना है क्या तीन इसका है कि नहीं है टर्म इसका है कि नहीं है अब यहां से एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए ध्यान से सुनना जरूरी सूचना क्या है सूचना नहीं इंफॉर्मेशन नोट ए पी चैप्टर के रिगार्डिंग देखो बच्चे जो एन होता है एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है तो ये जो एन होगा ना ये जो आपका एन होगा ये हमेशा नेचुरल नंबर होगा ये हमेशा क्या होगा नेचुरल नंबर होगा नेचुरल नंबर मतलब ये हमेशा कुछ ऐसा होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ओन ऐसे ही होगा एक नंबर होगा फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा फ्रैक्शन मतलब बाई नाइन ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा सिर्फ ऐसे ही फिक्स नंबर होंगे नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर सभी बच्चों को पता होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं ना तो नेगेटिव होगा ठीक है सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर क्या है काउंटेबल नंबर जिनको हम फिंगर्स में काउंट कर सकते हैं ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एन सो ओन सोन सो ओन ठीक है तो याद रखना एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं वो हमेशा नेचुरल नंबर होंगी हमेशा नेचुरल नंबर होंगी ना तो नेगेटिव में होंगी नेगेटिव एन की वैल्यू कभी नहीं होगी अगर होगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है ठीक है दूसरा फ्रैक्शन में नहीं होगी अगर होगी या तो कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है या आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना अब वही चीज यहां समझ आनी चाहिए आपको अब यहां क्या क्या गिवन है देखो यहां क्या क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में हमें यह चेक करना है क्या 301 इस सीक्वेंस का इस एपी का हिस्सा है कि नहीं है कैसे चेक करोगे सिंपल सी बात है जो तीन है वो क्या है हमारा टर्म है वो क्या बन गया थ्री हंड्रेड वन इज आर एनेटर्म और जैसा कि हमें बोला गया है कि ये अभी यहां कुछ भी नहीं गिवन है कि ये एपी है कि नहीं है तो आपको पहले चेक करके बताना पड़ेगा देखो यहां पे डिफरेंस सिक्स है सिक्स है ये भी सिक्स है मतलब एपी है तो इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो है फाइव जो कॉमन डिफरेंस है वो है सिक्स ठीक है एनेथ टर्म का फॉर्मूला लगाओगे आप क्योंकि ये एक एपी है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी जहां पर एन की वैल्यू क्या होगी नहीं होगी

तो ये कितना आएगा माइनस का वन माइनस का वन इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा तीन सौ दो ये कितना आ जाएगा थ्री हंड्रेड एंड टू ये कितना आ गया सिक्स एन इतना समझ आया देखो थ्री हंड्रेड एंड वन था सिक्स का डिफरेंस है ए फाइव है डी सिक्स है वैल्यू पुट करी फाइव प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए फाइव था सिक्स को एन से मल्टीप्लाई करा सिक्स को माइनस किया तो माइनस का ये आ जाएगा माइनस का वन ये क्या आ जाएगा यहां पे आ जाएगा आपका ये एक स्टेप छोटा सा मिस किया है चलो वो भी देख लो ये आ जाएगा कुछ ऐसा थ्री हंड्रेड एंड वन इज इक्वल टू सिक्स एन माइनस का वन माइनस का वन आएगा जाएगा तो ये क्या पॉजिटिव का अच्छा इसके बाद हम पता है क्यों नहीं सोल्व करेंगे क्योंकि ये क्या है फ्रैक्शन फ्रैक्शन में में आएगा में कैसे आएगा कैसे अगर आप इसको एन की वैल्यू निकालो ना तो ये आ जाएगा थ्री जीरो टू डिवाइडेड बाय सिक्स और ये हो जाएगा थ्री वन फाइव वन मतलब एन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वन फिफ्टी वन बाई वैल्यू कितनी आएगी एक सौ इक्यावन बाई तीन अब वन फिफ्टी वन इज नॉट डिविजिबल बाय थ्री वन फिफ्टी वन थ्री से डिविजिबल नहीं है तो जैसा कि अभी हमने बताया है कि जो n होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा बट वन फिफ्टी वन बाय थ्री इज नॉट अ नेचुरल नंबर तो अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो यहां क्या होंगे दो केस होंगे या तो थ्री हंड्रेड एंड वन इसका ए, इसकी सीक्वेंस में नहीं लाई करता मतलब ये 301 इसका टर्म नहीं है एनथ टर्म नहीं है दूसरा केस ये हो सकता है कि हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है फटाफट देख लो एक बार पांच है ग्यारह है सत्रह है, कितना आएगा सिक्स ही आएगा ही प्लस का है, फाइव, सिक्स है वैल्यू पुट करी फाइव, सिक्स, तो बिल्कुल ठीक किया है मतलब एन तो इतना ही आएगा अब इसका मतलब यह है एन नेचुरल नंबर आएगा एन ये आ रहा है तो मतलब यहां क्या आंसर आएगा नो इट इज नॉट द term of ap ठीक है 301 इसकी टर्म नहीं है खत्म ठीक है इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है जो कि आप लोगों को कंफ्यूज करके रख देता है क्यों अब यहां पे आप पता है दो बार चेक करोगे दो बार चेक करोगे पहले तो ये देखोगे कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ए ठीक था फर्स्ट टर्म सही निकाली है हां कॉमन डिफरेंस भी ठीक ठीक ही आया है फटाफट एक और बार चेक कर लो एक और बार चेक करोगे हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है लेकिन आंसर नहीं आ रहा आंसर नहीं आ रहा आंसर नहीं आ रहा आंसर नहीं फिर दोबारा चेक करोगे तो उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें नहीं आ रहा नहीं आ रहा खत्म क्योंकि इजी कैलकुलेशन रहती हैं ज़्यादा हैक्टिक कैलकुलेशन नहीं रहेंगे अब ये आएगा चाहे आप दूसरी बार कैलकुलेशन करो चाहे तीसरी बार कैलकुलेशन करो आएगा यही वन फिफ्टी वन बाई थ्री अब वन फिफ्टी वन बाई थ्री आएगा जो कि आपका किससे बिलोंग नहीं करता इज नॉट अ नेचुरल नंबर ये क्या है नेचुरल नंबर नहीं है अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो बात खत्म ये आपका एन टर्म है ही नहीं इस सीक्वेंस का है ही नहीं ठीक है चलो अब आता है आपके आपका इंपॉर्टेंस दिखा रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन की अब तक जो थे वो बेसिक प्यारे अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चन थे बट अब यहां से अब आपके क्वेश्चन आने शुरू हो गए इंपॉर्टेंट वाले ठीक है जैसे कि ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको अब ये जो क्वेश्चन है ये अपनी ही एक महत्वता रखता है मतलब इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इसमें आपको चेक करना है इसमें आपको एपी भी बनाना है मतलब गिवन नहीं है देख रहे हो इतना बदतमीज क्वेश्चन है एपी भी नहीं गिवन है ना सारी मेहनत हमसे ही करवा रहा है चलो देखें जरा क्या है द सम ऑफ थाउजेंड इज इन्वेस्टेड एट एट परसेंट सिंपल इंटरेस्ट हजार रुपए को सिंपल इंटरेस्ट में आठ परसेंट के बेसिस पे इन्वेस्ट किया गया ठीक है हर साल के लिए कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर

खत्म होने पे तीस साल तीसवें साल कितना इंटरेस्ट बना है ठीक है तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा ना पहले साल का तो मैंने बोला जब एन मतलब पहला साल है जब क्या है पहला साल है तो भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो शायद सभी बच्चे जानते होंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय हंड्रेड यही चीज होती है, है ना तो यहां पे जब एन मतलब टाइम वन ईयर हुआ है तो थाउजेंड रुपीज को आठ परसेंट के रेट पे दिया गया है एक साल के लिए डिवाइडेड बाय हंड्रेड तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा ये बन जाएगा अस्सी ये कितना बन गया अस्सी पहले साल का इंटरेस्ट कितना अस्सी दूसरे साल का इंटरेस्ट देखो यही हम बताते चले जाएंगे देखो पहले साल का इंटरेस्ट कितना हुआ एट्टी ठीक है अब दूसरे साल का भी यही बता देते हैं यही बता देंगे ये कितना हो जाएगा ये टू हो जाएगा ये टू हो जाएगा तो इंटरेस्ट कितना बना दूसरे साल का दूसरे साल का बना एक तो तीसरे साल का कितना बना तीसरे साल का तीन से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा टू फोर जीरो कितना हो जाएगा टू फोर जीरो अब देख लो ध्यान से दोबारा करके दिखा देते हैं ये कुछ ऐसे किया हमने थाउजेंड इंटू एट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही है तो दो साल में कितना हो जाएगा ऐसा ही होगा ठीक है इन में अच्छा इजी क्वस्टू आएगा वो कितना हो जाएगा एक होगा वो कितना होगा 160 होगा अब भाई तीन का निकालना है तो ईयर कितना हो जाएगा ये आपका क्या है टाइम ये जो है ये क्या है ये टाइम है टाइम ही चेंज होगा प्रिंसिपल तो सेम ही है रेट भी सेम ही है टाइम ही चेंज हो रहा है बाकी डिवाइडेड बाय तो हंड्रेड तो होता ही ऐसा ही है सिर्फ टाइम टाइम चेंज हो रहा है सिर्फ टाइम टाइम चेंज हो रहा है तो टाइम टाइम चेंज करते चलोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी भाई पैटर्न बन जाएगा पैटर्न कैसा बन जाएगा कुछ ऐसा बन जाएगा 80 160 240 फिर उसके बाद ऐसी आप निकालते चलो 320 एंड सो ऑन यही चलता चला जाएगा पैटर्न ऐसा ही आएगा अब हमें क्वेश्चन में बोला गया था डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी क्या ये एपी बन रहे हैं आप आप लोग चेक करके बताओ 80 80 का सब में डिफरेंस आ रहा है चाहे यहां से यहां तक देखें कितने का डिफरेंस है 80 का डिफरेंस है यहां से यहां तक देखें कितने का डिफरेंस है यहां से यहां तक देखें भाई प्लस 80 का डिफरेंस है यहां भी प्लस 80 का है और यहां भी प्लस 80 का डिफरेंस है तो यस इट इज एन एपी यस ये क्या है इज एन एपी पहले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ये एपी है अच्छा दूसरी बात डू द इंटरेस्ट अच्छा ठीक है फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्टी ईयर थर्टी ईयर बाद कितना इंटरेस्ट होगा अब इसके हैं दो तरीके बट यहां जब हमें बोल दिया है कि मेक यूज ऑफ दिस फैक्ट इस फैक्ट का यूज करते हुए निकालना है तो हमें क्या यूज करना है भाई हमें पता लग गया पहले साल इतना इंटरेस्ट मिल रहा है दूसरे साल इतना तीसरे साल इतना चौथे साल इतना क्या यूज करना है का यूज़ करना है वो क्या होता है अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे चेक करोगे भाई तीस साल का इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालोगे थाउजेंड इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट है आठ ही रहेगा ठीक है और जो तीस साल के लिए होगा वो तीस ऐसा ही हो जाएगा भाई इसकी जगह क्या आएगा टाइम की जगह क्या आएगा तीस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा भाई दो सौ एक ये कटा ये ये कटा तो ये कितना होगा टू फोर डबल जीरो यही आना चाहिए आना आंसर ये चाहिए बट इससे नहीं निकालना ये है चेक करने का तरीका ये है टू चेक कि भाई ये करेक्ट है कि नहीं है चेक कैसे करोगे एनए टर्म के फॉर्मूले से चेक करोगे एनएट टर्म के फॉर्मुले से चेक करोगे तो जैसा कि हमें सब कुछ पता है ए की वैल्यू कितनी है ए है आपका अस्सी प्लस में एन माइनस वन एन की वैल्यू कितनी है तीस एन माइनस वन करेंगे कितना हो जाएगा उनतीस डी की वैल्यू कितनी है डी भी कितना है अस्सी तो ये कितना हो गया अस्सी बाहर निकाला अंदर बच जाएगा वन प्लस ट्वेंटी नाइन तो ये कितना बन गया एट्टी इंटू थर्टी जो कि कितना आएगा टू फोर डबल जीरो रुपीज टू फोर डबल जीरो रुपीज वही आ रहा है ये भी वही आ रहा है क्वेश्चन में बोला ही यही था कि आपको चेक करना है बाय यूजिंग दिस फैक्ट कि भाई अगर एपी बन रहा है एपी का फैक्ट यूज करते हुए आपको प्रूफ करना है या फिर सॉल्व करना है कि तीस साल बाद कितना इंटरेस्ट बना है तो इस तरीके से करना है ठीक है ये तो सिर्फ आपको बताया था कि आप कैसे चेक करोगे ये था टू वेरीफाई वेरीफाई करने वाला ठीक है बोला जाता क्वेश्चन में कि भाई वेरीफाई करो कि भाई आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है तो ये है ये पी आर टी बाई हंड्रेड ठीक है टाइम क्या था तीस साल और यहां जो निकाला वो भी क्या है एपी से हमने सॉल्व किया है ठीक है तो ये था आपका एक और जबरदस्त क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन अब एक और अब मोस्ट दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर एनेटाम ऑफ एपी एनेटाम ऑफ नहीं एक और अच्छा नहीं एक और है अरे कितने हैं चलो चलो ठीक है हुँ. तो ये भी है एक और क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जो कि क्या है सुनना ध्यान से द लास्ट टर्म लास्ट टर्म से निकालना है अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये अलग ही अपनी बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं चार स्टार का क्वेश्चन है आउट ऑफ फाइव स्टार दे रहे हैं ये हम पांच स्टार में से चार स्टार का क्वेश्चन है ये अकेला मतलब कितना ही प्यारा क्वेश्चन है कितना ही जबरदस्त क्वेश्चन है ठीक है अब ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला क्या गया है बोला यह गया फाइंड द इलेवेंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म मतलब पीछे से स्टार्ट करना है ठीक है टूअर्ड्स द फर्स्ट टर्म मतलब ऐसे करके जो लास्ट टर्म होगी वो होगी इसकी फर्स्ट टर्म ठीक है और जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी इसकी लास्ट टर्म ठीक है तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं तो हमें बोला गया है अब यहां पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी फर्स्ट टर्म हो जाएगी माइनस का 62 फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी भाई माइनस का 62 हो जाएगी लास्ट बोला है ठीक है ऐसे जाना है अब एपी क्या बन रहा है अब एपी ये ना बनके अब एपी आप, आप बन रहा है माइनस का 62 अब ये तो टर्म आप निकाल ही सकते हो और बाकी हमें क्या दे रखा है 4 7 और 10 ठीक है अब की बार ये हो गया आपका अनथ टर्म ठीक है और ये होगी आपकी फर्स्ट टर्म ये क्या हो गई है फर्स्ट टर्म ठीक है लास्ट अब ये इंटरचेंज हो जाएगा अगर कभी भी ऐसा बोला जाए फ्रॉम द लास्ट तो लास्ट वाला टर्म बन जाएगा फर्स्ट फर्स्ट वाली टर्म बन जाएगी लास्ट ठीक है अब यहां पे क्या क्या गिवन है बाई फर्स्ट टर्म गिवन है कितनी है माइनस का 62 अब ऐसे केसेस में जो कॉमन डिफरेंस होता है ना वो क्या हो जाता है एक्चुअल में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है ए टू माइनस ए वन वो क्या होता है ए टू माइनस ए वन ही होता है ठीक है या फिर सिंपल सा ऐसे भी बोलते हैं याद है ए एन माइनस ए एन माइनस वन ठीक है ऐसा ही होता है ठीक है अब यहां मेरे को सेकंड टर्म तो पता ही नहीं है तो मैंने क्या रखना है भाई ये वाला रखना है तो जब ये वाला रखेंगे तो आपका एनथ टर्म क्या है टेन ठीक है टेन माइनस सेवन डी क्या हो जाएगा टेन माइनस सेवन तो डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का थ्री और ऑब्वियस बात है ये क्या हो रहा है सॉरी टेन माइनस सेवन जो कि प्लस का थ्री होगी

फाइंड क्या करना है लास्ट टर्म ग्यारहवीं टर्म निकालनी है तो मतलब एन की वैल्यू कितनी है ग्यारह आप तो सॉल्व कर सकते हो अब तो सिंपल केस है क्या निकालना है ए एन ए ग्यारह वो क्या हो जाएगा ए प्लस टेन डी ठीक है ये कितना बन जाएगा ए ए की वैल्यू कितनी है माइनस का सिक्सटी टू ठीक है डी की वैल्यू कितनी है डी की वैल्यू है पॉजिटिव का थर्टी सॉरी पॉजिटिव का थ्री पॉजिटिव का थर्टी तो ये बन जाएगा ठीक है तो ये कितना आ जाएगा माइनस का बत्तीस ये कौन सी टर्म है यह है इलेवेंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम द लास्ट ठीक है टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म क्लियर है फंडा ऐसे करना है ये वाला क्वेश्चन चलिए अब बढ़ते हैं किस पे अब आते हैं आपके और अच्छे क्वेश्चंस पे जो कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी है जो कि क्या होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी है दो क्वेश्चन अभी बच रहे हैं दो टाइप्स के अभी और बच रहे हैं एन रिलेटेड बट पहले हम बता देते हैं सम का। सम का का क्राइटेरिया बता देते हैं क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बच रही हैं ठीक है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी सम मतलब सभी का एडिशन करके निकालना मतलब ए वन प्लस ए टू प्लस में ए थ्री प्लस में डैश 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 अप टू टर्म मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा बाई ए प्लस ए प्लस डी प्लस में ए प्लस टू डी प्लस में डैश 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 अपू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये पता क्या बन जाता है सॉल्व करके सब कुछ सॉल्व करके ये बन जाता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्राकेट में टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी ये आपका एसन आता है ठीक है क्या होता है एन बाई टू ब्राकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी अब इसका एक पूरा प्रोसेस है वैसे करने का। प्रोसेस तो फिर सारी क्लास चली जाएगी तो फिर उसका फायदा है नहीं क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं प्रूफ आपके सिलेबस में है नहीं प्रूफ करवा के फायदा भी कुछ नहीं ठीक है एसन का फॉर्मुला होता है ये अब याद रखना ये एक ही फॉर्मूला नहीं है इसका एक और भाई है अब वो जो भाई है ना इसका वो इसी से बेचारे से बनता है कहने को यही मेन फॉर्मूला है बट कहते हैं कि दूसरा भी मेन है दूसरा भी मेन है मतलब दूसरा भी है दूसरा भी फॉर्मूला है है बेचारा ये अकेला ही इस बेचारे को तोड़ के ही वो बेचारा बना है ठीक है तो वो होता क्या है वो कुछ ऐसा होता है कि इसने बोला ये जो टू ए है ये बोलता है चलो यार मैं दो हूं मैं ना डिवाइड हो जाता हूं डिवाइड मतलब अब बट जाता हूं तो बट के ये कुछ इस तरीके से बन गया ठीक है तो ये जो एन बोलता है एन बोलता है यार भाई ऐसी बात है तू तो मेरे साथ मिल जा और मिलके बना दे एनेटर्म तो ये जो फिर फॉर्मूला बन जाता है ये बन जाता है कुछ ऐसा एन बाई टू ब्राकेट में ए प्लस एनेट यह आपका ये बन जाता है अच्छा कभी कभार कुछ बुक्स में इस एनेट को एल भी लिख दिया जाता है मतलब इसको ऐसा लिख दिया जाता है ए प्लस एल जहां पे एल या फिर एनेटर्म एन एन दोनों के दोनों क्या होते हैं सेम ही होते हैं ये क्या होते हैं लास्ट टर्म ये क्या होती है लास्ट टर्म ही होता है चाहे एनथ टर्म बोलो चाहे एल बोलो दोनों लास्ट टर्म होती है आपकी होता यही है इसको ब्रेक करके ये बनाया जाता है बाकी कुछ भी नहीं है है, है एक ही फॉर्मूला यही फॉर्मूला लगा के आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो ठीक है अब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है अगर एनथ टर्म गिवन है तो ये लगा लो आराम से क्यों सारा मल्टीप्लाई कर रहे हो एन को डी से एन को पहले माइनस करोगे फिर डी से मल्टीप्लाई करोगे उतना करने की जरूरत नहीं ए और लास्ट टर्म को एड करो और मल्टीप्लाई कर दो खत्म कहानी ठीक है ये आपका एस एन का फॉर्मूला होता है दोनों फॉर्मूले कैसे बने वो इसकी रामकथा थी कथा मतलब ठीक है चलो अब यह क्वेश्चन है सम का जिसमें आपको क्या बोला जाता है भाई सम फाइंड करो है ना सम फर्स्ट ट्वेंटी टू टर्म्स ऑफ एपी सम ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी टू टर्म्स ऑफ एपी फाइंड करना है जिसमें गिवन क्या है गिवन सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है सब कुछ गिवन है फॉर्मूला लगाना है आंसर पाना है फर्स्ट टर्म किसके बराबर हो जाएगी फर्स्ट टर्म हो जाएगी एट के बराबर डी क्या हो जाता है ए टू माइनस ए वन तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का फाइंड फाइंड क्या करना है? करना है है सम ऑफ ऑफ टर्म्स तो N की वैल्यू कितनी होगी ए पता है डी पता है एन पता है फॉर्मूला लगाओ कौन सा वाला एस एन जिसमें डी आ रहा है मतलब एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस में एन माइनस वन इन में डी ठीक है यहां पे क्या क्या पता है एन पता है जी बिल्कुल पता है वैल्यू पुट करो फिर पता है तो तो ये हो जाएगा ट्वेंटी टू बाई टू ब्राकेट टू इंटू एट सिक्सटीन प्लस में एन है ट्वेंटी टू तो ये हो जाएगा ट्वेंटी वन इन टू में डी की वैल्यू है माइनस का फाइव इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा ये बन जाएगा एस ट्वेंटी टू विल बी इक्वल्स टू इलेवन ब्राकेट में ये इलेवन बन जाएगा ये बन जाएगा सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस का वन वन जीरो वन जीरो फाइव वन जीरो फाइव माइनस का वो भी ठीक है ये बन जाएगा ना ये बन जाएगा आपका वन जीरो फाइव बट माइनस का ठीक है ऐसा बन जाएगा अब इसको आप सॉल्व कर ही सकते हो एस ट्वेंटी टू आप वैल्यू निकाल ही सकते हो सिंपल सिंपल सॉल्यूशन आप तो माइनस करना है फिर मल्टीप्लाई करना है ग्यारह के साथ तो ये कितना बन जाएगा ये बन जाएगा आपका नाइन और एटी नाइन इलेवन इंटू माइनस का आ, ये बन जाएगा आपका आउट ऑफ सिक्स ये हो गया नाइन नाइन आउट ऑफ एटी नाइन ये बन जाएगा एटी नाइन एटी नाइन एटी नाइन एटी नाइन ये बन जाएगा नाइन सेवन और वन नाइन नाइन माइनस का ये क्या है सम ऑफ ट्वेंटी टू टर्म्स ऑफ एपी ठीक है क्लियर है सिंपल इजी सीधा साधा क्वेश्चन अच्छा एक सीधा साधा क्वेश्चन एसएन के लिए जरूरी हो जाता है चेक करने के लिए कि भाई थोड़ा सा फॉर्मूला बताने के लिए कि भाई हाँ भाई ऐसे फॉर्मूला लगाया जाता है ऐसे ए होता है ऐसे डी होता है ऐसे एन होता है अब डी निकालना इज नॉट द मुश्किल टास्क डी निकालना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी अब डी सिंपली निकाल सकते हैं एन निकाल सकते हैं एन तो गिवन ही होता है ठीक है डी को फाइंड करना होता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एस टर्म का फिर उसके बाद जाते हैं अच्छे प्यारे मजेदार क्वेश्चन के साथ ठीक है चलो एक और क्वेश्चन और यस इसके बाद फिर आपके होंगे आ, इसके बाद है आपके मस्त वाले क्वेश्चन इस क्वेश्चन के बाद है आपके मस्त मस्त वाले क्वेश्चन क्वेश्चन question क्या है ये क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए पी कितनी टर्म्स होंगी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 78 के बराबर है अब ये जो क्वेश्चन है ना स्टार दो वैसे दो नहीं तीन स्टार का क्वेश्चन थ्री स्टार क्वेश्चन है ठीक है कैप्टन uh, रैंक का क्वेश्चन है ये ठीक है अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको फाइंड क्या करना है एन की वैल्यू फाइंड करनी है एन की वैल्यू क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखो ये हमें ए पी गिवन है यहां से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं ए फाइंड कर सकते हैं जो कि है 24 फोर डी फाइंड कर सकते हैं जो कि कितना है माइनस का थ्री है एन पता है नहीं पता है ये क्या है सेवनटी क्या है ये है एस ये क्या है एस गिवन है जो कि सेवनटी के बराबर है अब ना तो एन गिवन है ना तो टर्म गिवन है तो फाइंड क्या करना है एन ही फाइंड करना है हमें बोला गया है कि हाउ मेनी टर्म्स हाउ मेनी टर्म्स का मतलब होता है इज द वैल्यू ऑफ एन कि एन की वैल्यू क्या होगी तो यहां क्या लगेगा एस एन का फॉर्मूला लगेगा जो कि कौन सा वाला एन बाई टू ब्राकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू में डी अब ये जो ए पी का क्वेश्चन है ना ये एपी का भी है अब ये क्वाड्रेटिक का भी क्वेश्चन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्वेश्चन बन गया ये एपी का तो क्वेश्चन है, है अब बट अब ये क्वाड्रेटिक का भी क्वेश्चन बन गया ठीक है ये ध्यान रखना तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके क्वाड्रेटिक में भी कंसिडर किया जा सकता है एपी में भी कंसिडर किया जा सकता है ठीक है अब क्वाड्रेटिक का कैसे बना समझाते हैं जब वैल्यू पुट करोगे अपने आप समझ जाओगे एस एन की वैल्यू कितनी है एस एन की वैल्यू है सेवनटी एट इज इक्वल टू एन नहीं पता तो एन की एन वैल्यू पुट कर दी ठीक है ए की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी फोर ए इंटू ट्वेंटी फोर मतलब ए की वैल्यू ट्वेंटी 24 फोर थी ट्वेंटी 24 एट तो आ जाता है एन माइनस वन एन नहीं पता तो एन कैसी छोड़ दिया डी की वैल्यू है माइनस का थ्री याद रखना माइनस का थ्री इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया ठीक है इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये टू से इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा सिक्स और फिफ्टीन 15, 156 इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में 48 एट माइनस का थ्री एन प्लस का थ्री आया समझ माइनस का थ्री एन और प्लस का थ्री अब इसको अगर सॉल्व करें फर्दर तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 156 फिफ्टी सिक्स इज इक्वस टू इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा 51 ठीक है तो ये बन जाएगा फिफ्टी वन एन माइनस का थ्री एन स्क्वायर अब समझ आया क्यों बोल रहे थे हम कि ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन, बन गया अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया अब डिस्क्रिमिनेंट याद है डिस्क्रिमिनेंट हमने पढ़ा था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फोर्थ चैप्टर में जिसमें हम क्या करते थे अगर डी जीरो के बराबर है तो क्या है डिस्टिंग इक्वल रूट है टू इक्वल रूट है जीरो से बड़ा है तो टू डिस्टिंक्ट रूट है वो वही है ये ठीक है अब यहां से इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा थ्री एन स्क्वायर माइनस का फिफ्टी वन एन और प्लस में वन हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स इजिक्वल टू जीरो इजिक्वस टू जीरो ठीक है सिक्स और वन वन छ सात ठीक है अब यहां से अगर इसको सॉल्व करने बैठे तो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा बट अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहां से ना थ्री कॉमन आउट हो रहा है जब हमने थ्री बाहर निकाल दिया तो ये अंदर बच गया एन स्क्वायर माइनस का सेवनटीन एन और प्लस का फिफ्टी टू इज इक्वल टू जीरो अब ये काफी इजी हो गया अब ये क्या हो गया काफी इजी हो गया कंपैरेटिव टू ऊपर वाली इक्वेशन इसके कंपैरेटिव अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक नंबर सेकंड क्या होता था बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मैथड नाइन्थ क्लास में भी आपने method पढ़ा है 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 कि भाई जो ये क्या का 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 और जीरो तो हम इसके क्या बनाते हैं भाई factor बनाते हैं. किसके जो कि कितना है फिफ्टी टू इसके फैक्टर कुछ इस तरीके से बनाओ कि प्लस माइनस करके 17 आए तो तो ये तो हमें सीधा सीधा पता लग गया भाई थर्टीन इंटू फोर किसके बराबर होता है फिफ्टी टू के बराबर होता है अगर हम थर्टीन को भी माइनस का ले लें फोर्टीन को भी माइनस का ले लें माइनस का थर्टीन इन टू माइनस का फोर बट आएगा क्या माइनस का सेवनटीन मतलब एन स्क्वायर की जगह तो एन स्क्वायर ही रखा है बट इस माइनस सेवनटीन एन की जगह रखा है माइनस का थर्टीन एन माइनस का फोर एन प्लस का फिफ्टी टू इज़ इक्वल टू जीरो इसको फर्दर आप लोग सोल्व कर सकते हो एन कॉमन एन माइनस का थर्टीन माइनस का फोर बाहर एन माइनस का थर्टीन इज इक्वल टू जीरो तो एन की वैल्यू क्या क्या आ गई एन माइनस का थर्टीन इन टू में एन माइनस का फोर तो मतलब जो एन है वो क्या है वो तेरह भी है वो चार भी है एन की वैल्यू क्या है एन की वैल्यू थर्टीन भी है एंड फोर भी है आया समझ क्लियर है फंडा सभी को भाई एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी नंबर ऑफ टर्म्स आपकी थ्री भी होंगी और दूसरा क्या है फोर भी हो सकती है ठीक है अब यहां पे एक छोटा सा असाइनमेंट है आपके लिए ठीक है एक छोटा सा असाइनमेंट है असाइनमेंट क्या है कि इन दोनों में से आपको जरा चेक करनी है क्या चेक करना है ए थर्टीन निकालो वट विल बी द वैल्यू ऑफ ए थर्टीन एंड ए फोर निकालो ठीक है ए थर्टीन निकालो ए फोर निकालो ठीक है सिंपल गॉट इट देखो इस तरीके से करते हैं जब हमें फाइंड करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपल फॉर्म uh, में कन्वर्ट करना होता है कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करना पड़ता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बढ़ते हैं आपके अच्छे वाले क्वेश्चन की ओर जो कि ये रहा अब ये जो क्वेश्चन है ये एक टाइप का केस स्टडी है आप इसको बोल सकते हो ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है ठीक है जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जिसमें क्या है मल्टीपल क्वेश्चंस हैं मल्टीपल क्वेश्चंस का मतलब है कि एक ही क्वेश्चन में तीन चार क्वेश्चंस पूछ रखे हैं ठीक है अब ये आ सकता है आपके चार मार्क्स में एक एक मार्क्स का डिफरेंट डिफरेंट जैसे देखो यहां पे अगर हम ध्यान दें व्हाट इज द फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म निकालनी है एक क्वेश्चन ये व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द सेकंड टर्म थर्ड क्वेश्चन सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म टेंथ टर्म एंड द एनथ टर्म मतलब अकेला ये जो क्वेश्चन है ना इसमें सब कुछ कवर कर दिया इसमें सब कुछ कवर कर दिया या तो ये सीधा चार मार्क्स में आ जाएगा स्टडी के केस में या तो सीधा पांच मार्क्स में आएगा चार पांच पार्ट्स हैं यहां से आपको यह भी पता लग जाएगा भाई एग्जामिनर को यह भी पता लग जाएगा जो चेकर है उसको यह भी पता लग जाएगा कि भाई बच्चे को फाइंड करनी आती है कि नहीं आती है सम का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है ठीक है सम के फॉर्मुले से कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकता है नहीं कर सकता है ठीक है अगर एसन ही गिवन है तब वैल्यू फाइंड कर सकता है नहीं कर सकता एपीज की ठीक है तो यह अकेला क्वेश्चन सब पे भारी है एक अकेला क्वेश्चन सबसे प्यारा क्वेश्चन

एस टू का मतलब क्या होता है सम ऑफ टू टर्म्स मतलब ए वन प्लस क्या होता है का मतलब होता है ए वन प्लस ठीक है एस वन का मतलब क्या होता है भाई इसीलिए यहां पे लिखा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म और ये लिखा है दैट इज एस वन एस वन क्यों लिखा है इसलिए लिखा है कि एस वन को अगर आप प्रोनाउंस करो बोलो तो उसको कैसे बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी सम ऑफ ऑफ फर्स्ट टर्म एपी का मतलब क्या है पहली टर्म मतलब ए वन किसके एस वन किसके बराबर है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी या फिर किसके बराबर है ए के बराबर ठीक है एस टू का मतलब क्या होता है सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ एपी मतलब फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का डिफर सम uh, ठीक है तो पहली चीज क्या फाइंड करनी है भाई एस वन फाइंड करनी है मतलब एन की वैल्यू वन पुट करनी है तो वन पुट कर दिया तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई फोर माइनस का वन तो एस वन कितना आ गया थ्री आ गया तो ए जो की फर्स्ट टर्म है वो कितना आ गया वो थ्री आ गया ये आ गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर पहले क्वेश्चन का आंसर अब दूसरा क्या बोला है इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स पहले टू टर्म्स का सम क्या, क्या, क्या होगा वो एस टू होगा सिंपल एन की वैल्यू क्या पुट करनी है टू पुट करनी है तो ये क्या हो जाएगा फोर इन टू टू माइनस का टू का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा आपका एट माइनस फोर जो कि कितना हो जाएगा फोर मतलब एस टू वो किसके बराबर है फोर के बराबर है यह हाँ आपका सेकेंड आंसर यह क्या है आपका सेकेंड आंसर सेकेंड आंसर हो गया भाई सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स एस टू एवन प्लस ए टू एवन प्लस ए टू वट इज द सेकेंड टर्म अब क्या फाइंड करनी है सेकेंड टर्म फाइंड करनी है अब एक और तरीका बताते हैं सेकेंड टर्म फाइंड करने का देखो यहां पे अगर आप ये चीज सीख लो तो आपको काफी ज्यादा आसानी होगी अगर मेरे को ए टू फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे भाई एस टू माइनस एस वन ठीक है अगर मेरे को ए थ्री फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे एस थ्री माइनस एस टू एस थ्री माइनस एस टू ऐसा क्यों करा क्या करने का फायदा है वो भी समझाते हैं देखो अगर मैं एस थ्री की बात करूं तो एस थ्री क्या होता है एस थ्री होता है ए वन प्लस ए टू प्लस में ए थ्री ठीक है और अगर एस टू की बात करें एस टू क्या होता है ए टू प्लस ए वन एस टू क्या होता है ए टू प्लस ए वन अगर मैं दोनों को माइनस कर देता हूं अगर मैं एस थ्री माइनस एस टू कर देता हूं तो यहां से देखो ए टू से ए टू कट गया ए वन से ए वन कट गया तो बच क्या जाएगा भाई ए थ्री बच जाएगा यही तो चीज बताई है ए थ्री क्या होगा एस थ्री माइनस एस टू तो यहां से हमें क्या फाइंड करना था यहां से हमें फाइंड करना था सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म किसके बराबर होगी एस थ्री माइनस का सॉरी एस टू फाइंड करना था एस टू माइनस एस वन सेकेंड टर्म फाइंड करें तो क्या हो जाएगा एस टू माइनस का एस वन काफी आसान हो जाएगा अच्छा चलो मेरे को मैं ये बोलता हूं चलो नहीं आ रही समझ में ठीक है एस टू निकाल लो एस टू में एस टू का मतलब क्या होता है एस टू का मतलब ए वन प्लस ए टू ठीक है ए वन पता है निकाल लो तो यहां से ए टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी एस टू है फोर एस वन है थ्री तो ए टू की वैल्यू कितनी आ गई ए टू विल बी वन ए टू कितना आ गया वन आ गया यह हुआ आपका एक और सवाल इसमें वट इज द सेकेंड टर्म सेकंड टर्म निकले सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म अब क्या निकालनी है थर्ड टर्म निकालनी है अब जैसा कि हमें पता है आपको फर्स्ट टर्म है फोर फिर है one, और ये आपका AP है ही ये क्या है आपका ए पी है ही ये जो पैटर्न फॉलो करेगा ये कैसा करेगा ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी एंड सो ऑन ऐसे ही पैटर्न फॉलो करेगा या तो इस पैटर्न से निकाल लो या फिर अगर आपको ए थ्री निकालने को बोला है तो ए थ्री माइनस एस थ्री माइनस एस टू निकाल लो है ना भाई आपको पता लग गया ए ए कितना है फोर आपको पता लग गया डी डी क्या होगा ए टू माइनस ए वन होगा जो कि कितना आ जाएगा वन माइनस का फोर जो कि कितना आ जाएगा माइनस का थ्री भाई ए पता है डी पता है थर्ड टर्म निकालनी है थर्ड टर्म भी निकल जाएगी फोर्थ टर्म निकालनी है फोर्थ टर्म भी निकल जाएगी फिफ्थ टर्म निकालनी है फिफ्थ टर्म भी निकल जाएगी बाई यूजिंग एनथ टर्म का फॉर्मुला थर्ड भी निकल जाएगी टेंथ भी निकल जाएगी और अन्य टर्म भी निकल जाएगी कैसे निकल जाएगी सिंपल थर्ड टर्म का फॉर्मुला क्या होगा वो होगा ए प्लस टू डी ए पता है डी पता है वैल्यू पुट करो टेंथ टर्म का फाइंड करना है ए टन वो क्या हो जाएगा ए प्लस नाइन डी ऐसे ही सिमिलरली है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी जिसमें हमें क्या पता है भाई यहां तो एन ही रहेगा ए पता है डी पता है कहां से पता है अभी अभी निकाला है ए है फोर डी है माइनस थ्री वैल्यू पुट करते चलो आंसर फाइंड करते चलो सिंपल ये दोनों वैल्यूज हमें पता ही है ये दोनों वैल्यूज पता है आंसर सीधे सीधे ऐसे ऐसे आंसर आ जाएंगे ठीक है बात सही करेक्ट है ना अब एक क्वेश्चन रह रहा है इसमें अब चलते हैं केस स्टडी की ओर बट इसमें एक ऐसा क्वेश्चन अभी रह रहा है जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो है कैसा ये वाला तो नहीं आ, बट ये वाला एक क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ या सीक्वेंस हाँ ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला क्वेश्चन अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका ऐसे करके भी आ सकता है कि फाइंड द सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय सेवन ठीक है या फिर ऐसे करके भी आ सकता है यहां पूछा भी जा सकता है दो टाइप से दो टाइप से आपको पूछा जा सकता है सम भी फाइंड कर सकते हैं इसका इसको आप सम भी फाइंड कर सकते हो सम के केस में भी आ सकता है तो इसको करोगे कैसे देखो बोला गया है थ्री डिजिट नंबर थ्री डिजिट नंबर स्टार्ट होता है हंड्रेड से और थ्री डिजिट नंबर एंड होता है 999 पे तो ऐसा कौन सा पहला थ्री डिजिट का नंबर है जो कि थ्री से डिविज सॉरी जो कि सेवन से डिविजिबल है जो कि क्या है सेवन से डिविजिबल है अब क्वेश्चन सिर्फ सेवन का नहीं इलेवन का भी पूछा जा सकता है थर्टीन का भी पूछा जा सकता है ट्वेंटी थ्री का भी पूछा जा सकता है फिफ्टी वन का भी पूछा जा सकता है नाइनटी वन तक का पूछा जा सकता है ठीक है यहां सेवन की जगह कोई भी टर्म पूछी जा सकती कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है ठीक है तो इसको करोगे क्या हम नॉर्मली तो हमें पता है बट हम मैथड से बताएंगे कि भाई आप सीरीज निकालोगे कैसे तो देखो ऐसा होता है कि भाई हमें नहीं पता हमें हम ये मान के चल रहे हैं हमें टेबल नहीं आती हमें सिर्फ इतना पता है सेवन इंटू टेन होता है सेवनटी सेवन इंटू इलेवन सेवनटी सेवन नहीं पता है अच्छा मतलब वैसे पता है मतलब वैसे नहीं पता है ठीक है मतलब बोली दिया वो तो हमें वैसे ही पता होगा ठीक है तो हमने बोला कैसे करें भाई पहले कैसे फाइंड करें भाई हंड्रेड को सेवन से डिवाइड कर दिया फिर अब ज़ा तो पता ही थर्टी और ये हो जाएगा कितना डिविजिबल बाय सेवन लेकिन नाइन्टी एट टू डिजिट का नंबर है रिमाइंडर माइनस कर जाते हैं तभी तो डिविजिबिलिटी आती है 98 एट इज डिविजिबल बाय सेवन बट हमें चाहिए थ्री डिजिट का नंबर तो 98 डिविजिबल है तो अगला नंबर कौन सा होगा अगला नंबर होगा 105. फिर क्या बनेगा भाई ऐड करते चले जाओ सेवन अपने आप आ जाएगा ऐड करते चले जाओ सेवन <coughs> अगला होगा वन वन टू ऐसे ही आगे आगे चलाता चलेगा ठीक है अब मेरे को बोला है कि भाई लास्ट टर्म भी जरा फाइंड कर लेते हैं लास्ट टर्म भी फाइंड कर लेते हैं तो लास्ट टर्म भी ऐसे ही फाइंड करेंगे कैसे फाइंड करेंगे जगह थोड़ी सी कम पड़गी शायद नाइन 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 डिवाइडेड बाय सेवन तो वनजा सेवन फ्री कितना आ जाएगा ट्वेंटी नाइन फ्री आ जाएगा ट्वेंटी एट फ्री आ जाएगा नाइनटीन जो कि आ जाएगा फोर्टीन और ये आ जाएगा फाइव मतलब नाइन नाइन फोर माइनस कर दिया ना इसको इससे क्या कर दिया माइनस कर दिया तो आपका टर्म आ जाएगा ये कितना है 9, 9, मतलब हमारे पास हमको पता लग गया कि भाई फर्स्ट टर्म है क्या होगा यही है ना हाँ फर्स्ट टर्म है वन हंड्रेड फाइव फिर हंड्रेड एंड ट्वेल्व एंड सो ऑन सो ऑन मतलब मेरे पास सीरीज बन गई ऐसी 105, वन वन आखिरी जो टर्म है वो है नाइन नाइन फोर क्वेश्चन क्या पूछा गया है क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी पूछा जा सकता है यहां पूछा है कि भाई कितने टर्म्स है यहां पूछा जा रहा है भाई कितने टर्म्स है एन की वैल्यू कितनी है अब यहां ये भी पूछा जा सकता था कि कितनी टर्म्स है हाउ मेनी टर्म्स एंड वट इज द सम ठीक है कितनी टर्म्स है एंड सम कितना है तो सम ये तो सिंपल केस क्या है अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं भाई सिंपल सा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ए की वैल्यू है वन जीरो डी की वैल्यू है सेवन और टर्म क्या है टर्म है 994. यहां से एन की वैल्यू निकाल सकते हैं अजी बिल्कुल निकाल सकते हैं एनथ टर्म का फॉर्मूला पुट करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये फॉर्मूला पुट करेंगे वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा ठीक है एनथ टर्म क्या है नाइन नाइन फोर इजिकवस टू वन जीरो फाइव प्लस में एन माइनस वन इंटू डी कितना है सेवन है सॉल्व तो कर ही सकते हो एन की वैल्यू अब तो सॉल्व कर सकते हो इसके बाद तो बचा ही कुछ नहीं इसके बाद तो फंडा बचा ही नहीं सिंपल सा सॉल्यूशन है सिंपल सा काम बन जाएगा सॉल्व कर दे क्या नाइन नाइन फोर सॉरी इज इक्व टू वन जीरो फाइव प्लस में सेवन एन माइनस का सेवन इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 98 है ना तो 98 इससे माइनस होगा तो कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा नाइन ये हो जाएगा एट और ये हो जाएगा एट फिर ये होगा इधर की तरफ प्लस में सेवन इजिक्वल टू सेवन एन तो ये बन जाएगा आपका एन टू इधर बनेगा आपका वन एटीन टू सेवन प्लस वन मतलब वन ट्वेंटी एट आंसर आएगा एन की वैल्यू कितनी होगी ऐसे एक सौ हैं और ट्वेंटी है। थ्री का, का भी होता फिफ्टी वन का भी होता सिक्सटी वन का भी होता सेवेंटी वन नाइनटी वन तक का होता तब भी आप इसी तरीके से करते ठीक है भाई फटाफट क्या निकाला रिमाइंडर को माइनस कर दिया रिमाइंडर को माइनस करके क्या पता लग गया रिमाइंडर को माइनस करके आपको पता लग गया नॉर्मल टर्म फिर उसके बाद टर्म निकाल दी टर्म निकाल के सीक्वेंस बना ली एपी बना ली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना लिया पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना लिया और उसके बाद क्या निकाल दिया एन की वैल्यू निकाल दी ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन होता है अब चलते हैं आपके और एम सी क्वेश्चन पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए क्लास को ताकि देखें जरा है क्या ये देख रहे हो ये अभी एडिशनल पेपर जो आया था एडिशनल क्वेश्चन पेपर एडिशनल सैंपल पेपर एडिशनल सैंपल पेपर जो आया था उसमें ये क्वेश्चन था आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अब ये जो क्वेश्चन है इसके बेसिकली पहला क्वेश्चन वन वन का ये जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है ना ये ऑप्शन में होते हैं बट हम सारे ले आए अब ये देखो ऐसा क्वेश्चन आता है केस स्टडी का ये पूरा केस स्टडी है आपका अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन होता है और यह है चार मार्क्स का अब इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इस क्वेश्चन में ना कुछ भी नहीं है मतलब इसमें नॉर्मल चीजें फाइंड करनी है एनथर्म एस एन एन डी की वैल्यू फाइंड करनी है अब जैसे बोला क्या गया है एक इंटीरियर डिजाइनर है उसने दो पेंटर को हायर करा मेन मेन पॉइंट्स कभी भी जब आप ऐसे केस स्टडी करते हो ना पढ़ते हो तो हमेशा याद कर लो कि ना मेन मेन पॉइंट्स को ना मार्क कर लो मेन मेन पॉइंट्स को क्योंकि जब आप दूसरे क्वेश्चन पे जाओ तब तो जब आपको पढ़ना पड़े पेंसिल या पेन हाँ मेन है, है? तो क्या किया है? सना ने दो पेंटर को लेकिन 20 डिफरेंट तो पेंटिंग बनानी है? 50 डिफरेंट पेंटिंग बनानी कितनी पेंटिंग बनानी 50 पेंटिंग्स बनानी है अच्छा ठीक है आगे अब दूसरा एक जो है मनन उसको दिए जाते हैं छह हजार रुपए पहली पेंटिंग के और उसका इंक्रीमेंट होता है दो सौ मतलब पहली पे दिए छह हजार फिर जब उसने दूसरी बनाई तो उसको दो सौ रुपए एड करके फिर उतने पैसे दिए फिर तीसरी बनाई फिर दो सौ एड करके दिए जितने पे है मतलब ये एपी फॉलो कर रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा है ठीक है अब जो बीमा है बीमा को दिए हैं पहली पेंटिंग के लिए चार हजार रुपए कितने दिए हैं चार हजार रुपए और उसका जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो चार सौ रुपए से हो रहा है पहले वाले का कितने से हो रहा है दो सौ का दूसरे का चार सौ से यह ध्यान रखना चार सौ से हो रहा है ठीक है अब पूछे गए हैं आपके क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्या क्या है यह बोला गया है कि हाउ मच मनी डिड मनन गेट फॉर हिज ट्वेंटी फिफ्थ पेंटिंग पच्चीसवीं पेंटिंग पे कितने उसको पैसे मिले ठीक है हाउ मेनी मनी डिड भीमा गेट इन ऑल भीमा को टोटल अमाउंट कितना मिला मतलब यहां क्या फाइंड करना है यहां फाइंड करना है एस एन ठीक है उसके बाद इफ बोथ मनन एंड भीमा मेक्स पेंटिंग इन द सेम प्लेस फाइंड द फर्स्ट पेंटिंग चलो ये चारों के चारों क्वेश्चन लगाते हैं सारे के सारे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको पहला चीज क्या है पहला क्वेश्चन क्या है आपका पहला क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड मनन गेट फॉर हिज ट्वेंटी फिफ्थ पेंटिंग तो अगर आपको याद हो तो जो मनन को स्टार्टिंग हुई है मतलब फर्स्ट फर्स्ट पेंटिंग मतलब एपी है ऑब्वियस सी बात है तो फर्स्ट टर्म क्या होगी मनन की मनन मार्क लगाया था हमने ये रहा इसकी फर्स्ट पेंटिंग हुई है 6000 हजार पे और कितने का इंक्रीमेंट हुआ है दो सौ का तो ए इसका कितना है छ हजार कॉमन डिफरेंस कितना है कॉमन डिफरेंस दो सौ का इतना ही है भाई इतना ही है यही है ना देख लो दोबारा फिर मत बोलना कॉपी ड्रॉन्ग चार हजार सॉरी 6000 हजार मनन और इंक्रीमेंट हुआ है दो सौ का इंक्रीमेंट हुआ है दो सौ का यही हमने लिखा है यहां पर 6000 और 200 बोला क्या गया हाउ मच मनी डिड मनन गेट फॉर हिज ट्वेंटी फिफ्थ पेंटिंग पच्चीसवीं पेंटिंग के लिए उसको कितना पैसा मिला है तो पच्चीसवीं पेंटिंग मतलब एन की वैल्यू कितनी है एन की वैल्यू है ट्वेंटी क्या यूज करेंगे एनेट्टॉम का फॉर्मूला अब ये है हमेशा याद रखना कभी भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको फॉर्मूला मेंशन करना पड़ता है ठीक है ये हमने कर दिया इसीलिए ठीक है वैसे हम करते नहीं लेकिन हमने कर दिया दिखाने के लिए कि भाई कर करना कैसा है एनेट्टॉम नहीं पता है की वैल्यू जी पता है बिल्कुल सिक्स थाउजेंड है प्लस में एन माइनस वन पच्चीस माइनस एक चौबीस एट वन जीरो रुपीज इतना उसको पच्चीसवीं पेंटिंग पे अमाउंट मिला है टेन थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है किसको मनन को कौन सी पेंटिंग पे ट्वेंटी पेंटिंग पे ये था आपका पहला सवाल पहला क्वेश्चन पार्ट का अब सेकंड की बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड बीमा गेट इन ऑल मतलब बीमा के पास टोटल अमाउंट कितना आया है तो जो बीमा की स्टार्टिंग थी वो कितने से स्टार्ट किया था बीमा ने चार हजार से भीमा ने कितने से स्टार्ट किया था चार हजार से इंक्रीमेंट भीमे का कितने का कितना का हुआ था चार का हुआ था याद है ये देखो भीमा तो चा, वो चार हजार रुपीज थे उसके पहली पेंटिंग के और जो इंक्रीमेंट हुआ है वो चार सौ का हुआ है क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑल सारी पेंटिंग बनाने का कितना कितना पैसा मिला है तो बोला यह गया है कि बोथ पेंटर्स वर आज टू मेक फिफ्टी डिफरेंट पेंटिंग्स ईच दोनों पेंटर्स ने पचास पचास पेंटिंग बनाई है तो 50 50 बनाई है तो यहाँ पे टोटल पेंटिंग कितनी बनाई उसने 50 बनाई तो हमें बोला है भाई बीमा की कॉस्टिंग निकालो मतलब n की वैल्यू हो गई है कितनी 50 फाइंड क्या करना है फाइंड करना है यहाँ पे सम यहाँ फाइंड करना है s 50 यहाँ क्या फाइंड करना है s sn फाइंड करना है और sn का फार्मूला क्या होता है ये होता है n by 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n 1 में d सही बात सही है फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा एन एन की वैल्यू कितनी है फिफ्टी बाई टू ठीक है ए की वैल्यू कितनी है ए की वैल्यू है फोर थाउजेंड इन टू करेंगे तो ये हो जाएगा एट थाउजेंड प्लस में एन माइनस वन मतलब फोर्टी नाइन और डी की वैल्यू है फोर हंड्रेड अब इसको कैलकुलेट करना तो ईजी टास्क है ये आप पे छोड़ सकते हैं क्या हम ये बन जाएगा ट्वेंटी फाइव और ये हो जाएगा एट थाउजेंड प्लस में एक दो सिक्स थ्री सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो ये आ जाएगा कि भाई उसको कितने पैसे मिले हैं बीमा को कितने पैसे मिले हैं अब ये कैलकुलेशन पार्ट तो नॉर्मली आप कर सकते हो कैलकुलेशन पार्ट करने जाएंगे तो पहले इसको ऐड करना पड़ेगा ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा सा टाइम लगेगा ठीक है उतना टाइम है नहीं ठीक है कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी इसको फिनिश करवा सकें उतनी जल्दी करें ठीक है इतना समझ आया चलो पहला पार्ट हो गया दूसरा पार्ट हो गया दोनों पार्ट में हमने ठीक ठीक क्वेश्चन लगे अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की थर्ड पार्ट क्या है थर्ड पार्ट है कि इफ बोथ मनन एंड मेक्स पेंटिंग एट द सेम प्लेस अगर वो दोनों एक ही जगह पे पेंटिंग बना रहे हैं द फर्स्ट पेंटिंग विच भीमा विल गेट मोर मनी देन बीमा को ज्यादा रुपए मिलेंगे मनन से क्यों मिलेंगे क्योंकि जो मनन ने स्टार्ट किया है ना मनन ने स्टार्टिंग ली है ए से उसका ए सिक्स थाउजेंड का और जो कॉमन डिफरेंस था कॉमन डिफरेंस था टू हंड्रेड का बट जब हम भीमा की बात करते हैं भीमा ने स्टार्टिंग करी चार हजार से ठीक है और जो उसका कॉमन डिफरेंस था वो कॉमन डिफरेंस था फोर हंड्रेड का याद है अब बोला यह गया है कि अब भीमा को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं मनन से तो ज्यादा पैसे का तो कॉन्सेप्ट कैसे समझाएंगे ऐसे समझा सकते हो आप लोग देखो ऐसे समझा सकते हो पहला ये चीज ऐसे निकाल सकते हो कि इस क्वेश्चन को ऐसे इलाबोरेट कर सकते हो कि दोनों को सेम अमाउंट मिल रहा है ऑब्वियस बात है ज्यादा यही होगा भाई जब पहली बनाएगा, इसको पैसे मिलेंगे, इसको कम मिलेंगे। दूसरी पेंटिंग बनाएगा तब भी इसको ज्यादा मिलेंगे छह हजार दो सौ और इसको मिलेंगे चार हजार चार सौ तो पहले जरा ये निकाला जाए कि दोनों इक्वल कब हो रहे हैं दोनों क्या हो रहे हैं इक्वल कब हो रहे हैं अब जब इक्वल पता लग जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं भाई ये भी वही सेम अमाउंट मिल रहा है इस इस पर्टिकुलर पेंटिंग बनाने के बाद सेम अमाउंट अमाउंट इसको इसको मिल मिल रहा रहा है इस पेंटिंग बनाने के बाद इसको सेम रहा है बट जो नेक्स्ट पेंटिंग बनाएंगे इसका होगा दो सौ रुपएगा चार सौ तो मतलब उसके बाद से जब इक्वालिटी के बाद से इसको पैसा ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा तो करना क्या है करना ऐसा है कि दोनों ए पीस को ए एन ऑफ एन टर्म ऑफ ये क्या है बीमा भीमा क्वस टू हमने एज्यूम किया एन टर्म ऑफ ये क्या है मनन ठीक है तो वही सिंपल सी बात है लगा देते हैं फॉर्मूला एन टर्म का अभी, अभी बताया भी है फॉर्मूला तो जब भीमा की बात हो रही है तो ये हो जाएगा फोर थाउजेंड प्लस में एन माइनस वन इन टू में चार सौ ठीक है इज इक्व टू यहां से क्या हो जाएगा सिक्स थाउजेंड प्लस में एन माइनस वन इन टू में टू हंड्रेड ठीक है अच्छा करा क्यों मैं फिर से ध्यान से समझा रहा हूं इस चीज को देखो हमें बोला है कि ना मनन को अब पैसे कम मिल रहे हैं बीमा को अब पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो वो कब होगा ये तब होगा जब इसका अमाउंट ऊपर चला जाए अब इसका अमाउंट कब ऊपर जाएगा भाई एक बार तो चलो इक्वल नहीं होगा थोड़ा बहुत तो पता लग जाएगा ना कि इसके बाद होगा पहले तो ऐसे बराबर होगा फिर उसके बाद ऊपर जाएगा तो हमने बोला एक बार ये चेक कर लेते हैं कि भाई दोनों को इक्वल अमाउंट कब मिल रहा है मतलब कौन सी पेंटिंग बनाने पे दोनों को इक्वल अमाउंट मिल रहा है ठीक है ये है इक्वल अमाउंट का केस ये किसका है इक्वल अमाउंट ठीक है इक्वल अमाउंट का केस हम देख लेते हैं ठीक है तो भाई भीमा का एनेट टर्म का फॉर्मूला और मनन का एनेट टर्म का फॉर्मूला को कंपेयर कर लिया अब जब कंपेयर किया तो हम जब इसको सॉल्व करने बैठे हैं तो देखो अब सिंपल सिंपल सॉल्व करके बताते हैं ये चार हजार उधर चला गया चलो पूरा सॉल्व कर देते हैं ये हो जाएगा फोर थाउजेंड प्लस में फोर हंड्रेड एन माइनस का फोर हंड्रेड इज इक्वल टू सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड प्लस में टू हंड्रेड एन माइनस का टू हंड्रेड अब सिंपल सी बात है इसको फर्दर सॉल्व करने से बढ़िया ऐसा करो कॉमन पार्ट एक साइड कॉन्स्टेंट टर्म्स एक साइड एंड वेरिएबल टर्म्स एक साइड तो यहां पे आपका फोर हंड्रेड एन है तो इधर की तरफ हमने रख दिया फोर हंड्रेड एन माइनस का टू हंड्रेड एन इज इक्व टू मतलब ये टू हंड्रेड चला गया इधर बाकी फोर थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड उधर चला गया तो ये इधर की तरफ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 6000 हजार माइनस का चार हजार ठीक है इधर माइनस का फोर हंड्रेड था तो इधर आ जाएगा प्लस का फोर हंड्रेड और माइनस का टू हंड्रेड इतना समझ आया भाई जब फोर थाउजेंड ये फोर थाउजेंड उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का ये फोर हंड्रेड उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहां माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का तो तो मतलब ये चीज आएगी तो यहां से हम बोल सकते हैं कि भाई टू हंड्रेड एन विल बी इक्वस टू ये बन जाएगा आपका टू थाउजेंड और ये बन जाएगा टू हंड्रेड तो मतलब ये सीधा 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 अमाउंट नहीं निकाल सकते ये बाईस सौ बन जाएगा आपका ठीक है ये हो गया टू हंड्रेड एन मतलब एन की वैल्यू आ गई इलेवन एन की वैल्यू कितनी आ गई 11 मतलब इलेवेंथ पेंटिंग पे मनन और भीम दोनों का पैसा भीमा मनन और भीम बीमा का दोनों का पैसा क्या होगा सेम अमाउंट पे होगा ठीक है दोनों का अमाउंट सेम होगा बट जब ट्वेल्थ जब एन की वैल्यू क्या होगी ट्वेल्व होगी जब एन की वैल्यू क्या होगी ट्वेल्व होगी तब जाके भीमा का इंक्रीमेंट हो जाएगा दो सौ का एक्स्ट्रा दो सौ मिलने लग जाएंगे कैसे अब फॉर एग्जाम्पल ये हमने जैसे निकाल दिया एन इलेवन पे

बारहवी पेंटिंग से हुआ कब से हुआ बारहवीं पेंटिंग से हुआ क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन था कि क्वेश्चन <clears throat> था फाइंड द फर्स्ट पेंटिंग फॉर विच भीमा विल गेट मोर मनी कौन सी पेंटिंग से मिलेगा यह तो इक्वलिटी है यह इंक्रीमेंट है तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा ट्वेल्थ पेंटिंग से ठीक है ट्वेल्थ पेंटिंग से भीमा को ज्यादा पैसे मिलने लग जाएंगे मनन से ठीक है आया सभी को समझ अब इसका लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा लास्ट क्वेश्चन अब इसमें बोला गया है कि एक फ्रेंड है किसकी अच्छा आरती है सना की फ्रेंड है जो कि क्या करती है दोनों पेंटर्स को हायर कर लेती है दोनों पेंटर्स को बोलती है आ जाओ मेरे घर आ जाओ मेरे घर आके पेंटिंग बनाना ठीक है अब वो बोलती है आ जाओ मेरे घर आ जाओ मेरे घर आके पेंटिंग बनाना सेम रेट पे सेम रेट पे मतलब जिस पे आपका मनन बना रहा था उसी रेट पे मनन बनाएगा जिस पे जिसपे भी छह हजार पे और उसका इंक्रीमेंट हो रहा था दो सौ का ठीक है भीमा बना रहा था चार हजार पे और उसका इंक्रीमेंट हो रहा था चार सौ का ठीक है अब दोनों जाके पेंटिंग बनाते हैं और सेम नंबर ऑफ पेंटिंग बनाते हैं सेम नंबर ऑफ पेंटिंग बनाते हैं मतलब यहां पे पर भी फिफ्टी होगा और इधर भी एन की वैल्यू कितनी होगी फिफ्टी होगी ठीक है ये क्या है ये डी है ये भी इसका डी है ये आपका ए इसका और ए इसका मतलब सारी चीजें सब सेम है अच्छा, सारी चीजें सेम है तो करना क्या है ओके तो अब बोला गया है एंड पेड देम द एग्जैक्ट सेम अमाउंट अच्छा सेम अमाउंट दिया है हा हाउ मैनी पेंटिंग्स डिड आरती गेट ईच पेंटर टू मेक हाउ मैनी पेंटिंग्स हम्म अब क्वेश्चन बड़ा अच्छा है अब देखने में लग रहा है थोड़ा सा ट्रिकी बट इजी क्वेश्चन है बोला क्या गया आरती हैड बोथ पेंटर्स मेक द सेम नंबर ऑफ पेंटिंग एंड पेड देम द एग्जैक्ट सेम अमाउंट इन टोटल हाउ मेनी पेंटिंग्स डिड आरती गेट ईच पेंटर टू मेक अब यह आपका है होमवर्क सिंपल सा क्वेश्चन है है ना अगर ध्यान से पढ़ोगे अपने आप खत्म हो जाएगा टोटल कितनी पेंटिंग दी जाएंगी बताओ कितनी पेंटिंग दी भाई पचास पचास पेंटिंग दी सिंपल सी बात है भाई सब कुछ सेम है सब कुछ सेम है सना की फ्रेंड है आरती आरती ने दोनों को मनन को भी और बीमा को भी हायर करा क्या बनाने के लिए पेंटिंग बनाने के लिए फॉर उसके लिए सेम रेट पे जैसे सना ने बोला था सना ने किस रेट पे बोला था भाई मनन को बोला था छह हजार पे इंक्रीमेंट हो रहा था दो सौ का और पचास पेंटिंग बनानी थी पचास बकायदा बताया लिखा भी है यहाँ पे पचास पचास ठीक है उसके बाद आरती हैड बोथ पेंटर्स इन द सेम नंबर ऑफ पेंटिंग्स एंड पेड देम द एग्जैक्ट सेम अमाउंट सेम अमाउंट दिया है ठीक है इन टोटल मतलब जितना भीमा को जितना सॉरी मनन को मिला था टोटल अमाउंट एसन उतना जितना अमाउंट आरती ने दिया था सनन ने दिया था उतना आरती ने दिया है जितना भीमा को दिया था उतना ही आरती ने दिया है दोनों सेम होंगे ठीक है उसके बाद बोला हाउ मेनी पेंटिंग्स डिड आरती गेट ईच पेंटर्स टू मेक कितना पेंटिंग दी है उसने उनको बनाने के लिए सिंपल सा फंडा है ठीक है चलो ये आपका है होमवर्क देखते हैं कितने बच्चे करते हैं अच्छा क्वेश्चन है कुछ भी नहीं है अरे कुछ भी नहीं है ये जबकि ज्यादा मुश्किल है थर्ड वाला ज्यादा मुश्किल है फोर्थ वाले से ठीक है चलो अब एक और केस स्टडी लेके आते हैं अब एक और केस स्टडी है आपकी ठीक है अब ये भी मजेदार केस स्टडी है ये कंपैरेटिव टू उस वाले से कंपैरेटिव देखा जाए तो यहां, थोड़ा सा, है। यहां थोड़ा, सा confusion है। confusion थोड़ा सा काम भी था लाइनों का जो एक्स्ट्रा लाइन दी थी उनका काम भी था बट यहां कोई काम ही नहीं है जैसे कि क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है एक मंथ में इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून दो हजार बाईस द एक्सपोर्ट ऑफ अ पैसेंजर कार इंक्रीज हुआ है कितने परसेंट से ट्वेंटी सिक्स परसेंट इंक्रीज हुआ है कौन से क्वार्टर में इक्कीस बाईस क्वार्टर में ठीक है अब यहां से लेके यहां तक का अगर आप रीड करोगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनता कुछ काम नहीं है हमारा ठीक है कुछ भी नहीं करना यहां से यहां से कुछ मिलेगा भी नहीं ठीक है मिलेगा कहां से यहां से मिलेगा अकार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान टू प्रोड्यूस वन ए डबल जीरो कार इन फोर्थ फोर्थ क्या है फोर्थ ईयर चौथे साल में फोर गिवन है चौथे साल में क्या है इंक्रीमेंट कितने का है 1800 कार बनाएंगे चौथे साल में 1800 की कार बनने वाली है 1800 की नहीं 1800 कार बनने वाली है ठीक है उसके बाद 2600 कार बनने वाली है आठवें साल में मतलब ए एट कितना है 2600 अच्छा मैंने सीधे मानी क्यों लिया कि ए पी है पहला क्वेश्चन आप लोगों का होना चाहिए कि भाई मानी कैसे लिया कि ए है यहां से माना एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय द फिक्स नंबर एवरी ईयर यह स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्शन है वो क्या हुई है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हुई है यूनिफॉर्मली इंक्रीज का मतलब होता है अगर पहले साल बीस का इंक्रीमेंट हुआ है तो वह दूसरे साल भी बीस का तीसरे साल भी बीस का फिर बीस का बीस का बीस का बीस का बीस का मतलब प्रॉपर इंक्रीमेंट हुआ है यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट हुआ है मतलब एक प्रॉपर एपी में फॉलो कर रहा है प्रॉपर क्या कर रहा है प्रॉपर एपी को फॉलो कर रहा है और जहां ये फिक्स नंबर आ जाए फिक्स नंबर क्या डिनोट करता है आपका कॉमन डिफरेंस को डिनोट करता है गिवन क्या है फोर्थ टर्म छब्बीस सौ के बराबर फोर्थ टर्म चौथे साल कितना है वन ए डबल जीरो आठवें साल कितने का है छब्बीस सौ पहला क्वेश्चन पहले साल में कितनी है बारहवें साल में कितनी है टोटल प्रोडक्शन दस साल में कितनी है हाउ मच टोटल प्रोडक्शन इन इतने कार को प्रोड्यूस करने में थ्री वन टू जीरो जीरो कार प्रोड्यूस करने में कितने नंबर ऑफ साल्स लग जाएंगे कितने साल्स लग जाएंगे हाउ मेनी करें स्टार्ट इजी इजी क्वेश्चन है अब सब बता देंगे ए फाइंड कर देंगे डी फाइंड कर देंगे एस एन फाइंड कर देंगे फिर उसके बाद तो आप सिंपल काम कर ही सकते हो देखो तो यहां क्या फाइंड करना है फाइंड करना है फर्स्ट ईयर का जैसा कि हमें पता है कि जो फोर्थ टर्म है वो क्या है वन एट डबल जीरो है और जो एर्थ टर्म है वो कितना है Two, six, double, है। तो यहां हम एज्यूम करेंगे पहले कि जो फर्स्ट साल में हो रहा है फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन हो रहा है, वो है A का। जो कि जो एनेट टर्म का फॉर्मुला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इन डी होता है ठीक है तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे 1 से यहां से फटाफट फटाफट वैल्यू निकाल लेंगे ये क्या हो जाएगा? ए प्लस सेवन डी किसके बराबर टू सिक्स डबल जीरो के बराबर ऐसे ही ए प्लस थ्री डी किसके बराबर ये हो जाएगा 1800 सौ के बराबर <coughs> तो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं ए की भी एंड डी की भी ए की भी जरूरत पड़ेगी डी की भी जरूरत पड़ेगी ठीक है तो यहां से हमने वैल्यू निकाली हो गया फोर डी इज इक्वल टू जीरो जीरो बन जाएगा एट तो डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल दो सौ का अगर दो सौ का हो रहा है तो जो पहले साल है पहले साल कितने का इंक्रीमेंट हुआ है दो सौ लगाओ कितना हो गया 600, 600 में से माइनस करोगे तो पहले साल कितने का हुआ बारह सौ का, का अच्छा इसको आपको डायरेक्टली नहीं करना होगा दिखाना पड़ेगा कि भाई डी की वैल्यू कितनी आ गई डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास टू हंड्रेड ठीक है और जैसा कि हमें पता है ए प्लस थ्री डी किसके बराबर है वन ए डबल जीरो के बराबर है तो ए प्लस डी की वैल्यू डाली 200 तो ये हो गया छह सो इजिक्वल टू अट्ठारह तो यहां से आ जाएगी आपकी ए की वैल्यू फर्स्ट साल में इंक्रीमेंट कितने का फर्स्ट साल में प्रोडक्शन कितने की हुई है वन टू जीरो जीरो की प्रोडक्शन हुई है पहले साल में किसकी किस कार की प्रोडक्शन वन टू डबल जीरो हुई है अब सेकेंड पार्ट फाइंड द प्रोडक्शन इन ट्वेल्थ ईयर बारहवें साल में कितने की प्रोडक्शन हुई है मतलब ए ट्वेल्व वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस इलेवन डी ए की वैल्यू पता है डी की वैल्यू पता है सब वैल्यू पुट कर दो जीरो प्लस में इलेवन इन टू डी कितना है टू हंड्रेड अब ये कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल से ईजी पड़ जाएगा आपको वन टू डबल जीरो प्लस में टू टू डबल जीरो आपके पास जीरो जीरो फोर थ्री ये प्रोडक्शन हुई है आपकी ट्वेल्थ साल में चौतीस सौ थ्री फोर डबल जीरो कार की प्रोडक्शन हुई है बारहवें साल में इसके अगला क्वेश्चन क्या है फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट टेन ईयर्स टोटल प्रोडक्शन टोटल जहां आ गया वहां क्या मतलब है एस एन फाइंड करना है ये टोटल का मतलब क्या है एस टेन फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है एस एन का ये भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा एस एन इज इक्व टू एन बाय टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू में डी वैल्यू सारी पता है एन मतलब टेन बाय टू मतलब बाईस बारह था ए कितना आया था वन टू डबल जीरो कहां गया वन टू डबल जीरो वैल्यू पुट करी तो ये हो जाएगा टू अच्छा चलो पूरा प्रॉपर रखते हैं ठीक है तो ये हो जाएगा टू इंटू वन टू डबल जीरो प्लस में नाइन इंटू टू हंड्रेड ठीक है डी की वैल्यू कितनी थी भाई ये है आपका ए और ये है आपका डी ए और डी डी एंड ए दोनों वैल्यूज पता है दोनों वैल्यूज पुट कर दी सॉल्व कर दो अब सॉल्व करना तो इजी काम हो गया ये हो जाएगा फाइव ये हो जाएगा टू फोर डबल ज़ीरो और ये हो जाएगा वन एट डबल ज़ीरो ठीक है टोटल प्रोडक्शन निकाल सकते हो दस साल के अंदर कितना आया है कैलकुलेशन बच रही है बाकी इसमें अब कुछ नहीं बचा सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है वो भी इजी पार्ट है वो भी मुश्किल नहीं बचा वो भी इजी है सिंपल प्लस करना है फाइव से मल्टीप्लाई करना है लास्ट पार्ट क्या है इसका इन इसका भी फोर जो आखिरी पार्ट है वो भी इसका पार्ट होमवर्क देते हैं ठीक है ये भी आपका होमवर्क है बट फिर भी हम बता देंगे जैसे लास्ट पार्ट में बताया था जैसे लास्ट पार्ट में बताया था ना वैसे इसमें भी बता देते हैं ठीक है क्या है इन हाउ मेनी विल द टोटल प्रोडक्शन रिच इजन थ्री जीरो मतलब अब के हमें क्या दे दिया है हमें दे दिया है एस एन जो की है थ्री वन टू डबल जीरो और हमें बोला है चलो भाई फाइंड करो एन की वैल्यू चलो भाई फाइंड करके दिखाओ एन की वैल्यू क्या आएगी कौन सा फॉर्मूला एस एन का फॉर्मूला कौन सा वाला यही वाला जो लगाते हैं एन बाई टू ब्राकेट में टू ए प्लस में एन माइनस वन इन टू में डी ए पता है डी पता है एन नहीं पता है एन की वैल्यू निकालनी है सिंपल सा एन की वैल्यू क्या है फाइंड करो ठीक है ए क्या पता था वन टू डबल जीरो डी क्या पता है टू हंड्रेड बाकी एन की वैल्यू एस एन भी पता है एस एन कितना है थ्री वन टू जीरो जीरो ठीक है सॉल्व हो जाएगा भाई निकाला था ना यहीं से तो निकाला था अभी तो निकाल के दिखाया था डी एंड थर्ड पार्ट जैसा थर्ड पार्ट उसका है नॉर्मली इजी है थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए हमने छोड़ दिया ऐसे इसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए आप लोग कर सकते हैं बाकी सारा काम आसान है ठीक है तो ये था आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है जो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस जिनके चांसेस होते हैं आने के और बल्कि केस स्टडी भी करवा दी है केस स्टडी भी करवा दी है जो कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं केस स्टडी के आने के भी करने के भी होने के भी अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से uh, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं नो no डाउट बिल्कुल आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि येस yes, uh, अगर कंपेरेटिवली देखे जाए स्टैंडर्ड में देखे जाए तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड में लेवल uh, बड़ा अच्छा रहता है मतलब अच्छा मैंने मतलब कहने का मतलब थोड़ा अपर रहता है बट अगर बेसिक की बात करें बेसिक में आ, बहुत ईजी होता है ठीक है तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आए हैं स्टैंडर्ड से भी एंड बेसिक से भी दोनों तीन स्टार वाले मान के या चल सकते हो आप कि वो आपके बेसिक हैं और जो फोर स्टार है वो स्टैंडर्ड है ठीक है बट ये जो पेपर ये जो क्वेश्चंस है ना ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ठीक है तो चलो इनका आंसर्स दो देखते हैं कितने बच्चे अच्छा इनको करने के लिए मात्र एक मिनट का टाइम लगता है ज्यादा टाइम लगता भी नहीं है ठीक है तो हम वैसे तो देना चाहेंगे आपको टाइम बट डिमांड टाइम हमें रोक देता है चलो कोई बात नहीं देखो क्वेश्चन क्या है दो ए पी है ठीक है हैव द सेम कॉमन डिफरेंस दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है ओके द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज माइनस वन अच्छा ठीक है और दूसरे की फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का एट मतलब समझना ध्यान से कि दो ए पी है पहले एपी को हमने कैपिटल ए माना दूसरे ए पी को हमने स्मॉल ए माना ठीक है अच्छा बोला यह गया है द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म फोर्थ टर्म के बीच में क्या डिफरेंस होगा और इनका कॉमन डिफरेंस सेम है इनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है तो एक का जो फर्स्ट टर्म है वो है माइनस का वन और जो दूसरे का फर्स्ट टर्म है वो क्या है माइनस का एट है चलो ये क्वेश्चन करवा देते हैं बट इसके बाद ना एक छोटा सा फन फन फैक्ट भी बताएंगे आपको ठीक है यहां कॉमन डिफरेंस डी है यहां भी कॉमन डिफरेंस डी है ठीक है किसका डिफरेंस फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ देयर फोर्थ टर्म इसकी फोर्थ टर्म अगर निकालें तो वो क्या होगा वो होगा भाई एन टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए यहां भी लिखना पड़ेगा यहां नहीं यहां लिख देते हैं ठीक है एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी यही होता है फॉर्मूला लगाएंगे वैल्यू पाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का वन प्लस में थ्री डी ठीक है और यहां से अगर ए फोर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस का एट प्लस का थ्री डी हमें क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म मतलब ए फोर माइनस का ए फोर तो दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं तो भाई पहली वैल्यू ए फोर क्या है माइनस का वन प्लस का थ्री डी ठीक है ये है माइनस और फिर आ रहा है ब्रैकेट के बाद ये ब्रैकेट में ब्रैकेट में दूसरी टर्म आ जाएगी माइनस का एट प्लस का थ्री डी ठीक है तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा यहां से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है वो है सेवन वो भी पॉजिटिव का वो भी क्या है पॉजिटिव का मतलब ऑप्शन नंबर सी है अब चलो ये तो नॉर्मल तरीका था करने का ये क्या था नॉर्मल तरीका था करने का बट जो हम बता रहे थे ना यहां से एक छोटी सी चीज़ बता देंगे तो वो छोटी सी चीज सुनो क्या है देखो अगर आपका दो ऐसे एपी हैं जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम है तो उनकी किसी भी टर्म का डिफरेंस किसी भी टर्म का चाहे वो टेंथ टर्म हो चाहे वो हंड्रेड टर्म हो चाहे वो टेन थाउजेंड टर्म हो चाहे वो टेन करोड़ टर्म हो कोई भी टर्म हो तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा वो आएगा ए माइनस कैपिटल ए ये क्या है ये आप बोल सकते हो फॉर्मूला है इफ इफ कॉमन डिफरेंस इज सेम अगर कॉमन डिफरेंस क्या है सेम होता है तो वो क्या हो जाता है ए एन माइनस ए एन इज इक्वल टू ए माइनस का ए ठीक है जहां पे ए क्या है फर्स्ट टर्म है इस वाले एनट टर्म की और ये ए क्या है इस वाले टर्म की फर्स्ट टर्म है तो ये है इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम बता रहे थे इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो डायरेक्टली भी प्रूव कर सकते हो डायरेक्टली भी कर सकते हो ये है इंपॉर्टेंट ठीक है बाकी आपको नहीं पता कोई बात नहीं ये तो तरीका है ही सिंपल सा वैल्यू निकालो वैल्यू फाइंड करो आंसर पाओ ठीक है एक अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा ठीक है अब इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा देखते हैं कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं तीस सेकंड का ज्यादा नहीं मिलेगा तीस सेकंड का टाइम मिलेगा ठीक है टाइमर कहां है तीस सेकंड मात्र तीस सेकंड देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं थर्टी सेकेंड्स विद इन थर्टी सेकेंड्स वी विल बी डूइंग दिस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइम भी स्टार्ट हो गया आपका टाइम स्टैम्प भी स्टार्ट कर दिया है ठीक है हाँ जी बताइए शाबाश बहुत अच्छे वेरी गुड हम्म दस सेकेंड हैं बच्चों मात्र दस सेकेंड पांच चार तीन दो एक टाइम समाप्त टाइम समाप्त चलो देखो <coughs> क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है तो सम ऑफ एपी इज इतना एन टर्म्स ऑफ एपी कितना है एस एन गिवन है हमें थ्री एन स्क्वायर प्लस में एन अच्छा ये वाला क्वेश्चन का ना कॉन्सेप्ट हमने अभी समझाया था जहां पे हमने बोला था केस स्टडी वाला क्वेश्चन है पांच छह टाइप से क्वेश्चन दे दिए थे उसी के साथ ठीक है बोला क्या गया है एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज सिक्स कॉमन डिफरेंस है सिक्स अच्छा हमें क्या फाइंड करना है फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है अब ये जो क्वेश्चन है ना ये तीस सेकेंड का भी नहीं है और इसमें जो ये वाली इंफॉर्मेशन है ना इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है ये जो कॉमन डिफरेंस है ना कॉमन डिफरेंस इसकी जरूरत ही नहीं है इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है कॉमन डिफरेंस की क्यों हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म क्या होती है अब यहां से अगर मैं ये बात करूं एस वन एस वन का मतलब क्या होता है अगर एस वन को हम वर्ड में समझाए ना तो इसका मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी फर्स्ट टर्म ऑफ ऑफ नहीं लिखा टर्म ऑफ एपी ठीक है मतलब एस वन ही तो आपका ए है एस वन का मतलब क्या है एस वन का मतलब ही ए वन है ए वन क्या है ए वन ही तो आपका फर्स्ट टर्म है ए वन ही तो क्या है तो आपका फर्स्ट टर्म मतलब अरे ये तो इतना इजी ये इसमें क्या करना है एन की वैल्यू वन पुट कर देनी आंसर एन की वैल्यू वन पुट कर देनी है एस वन कितना हो जाएगा एस वन हो जाएगा थ्री प्लस वन जो कि कितना हो गया फोर और हमने तो अभी अभी बता दिया कि जो फर्स्ट एस तो वन होती है वो क्या होती है सम ऑफ 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 फर्स्ट फर्स्ट टर्म टर्म एपी सम एपी जरा सोच के बताओ सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या होता है फर्स्ट टर्म ही तो होता है तो आंसर क्या आ जाएगा फोर तो देख रहे हो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था कि कॉमन डिफरेंस कितना है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था कि कॉमन डिफरेंस कितना है ठीक है ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं अच्छा ये आपको लगेगा इजी है फिर आप सोचो कि यार कॉमन डिफरेंस देने का फायदा क्या है कॉमन डिफरेंस दिया होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा तो कुछ ना कुछ झोल तो होगा बट ये इस तरीके से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन लगता है इजी लेकिन गड़बड़ हो जाती है ठीक है आया समझ सभी को नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है गुड गुड नो डाउट दीज आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चन इसके लिए भी आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा ठीक है देखो यहाँ पे एक और चीज चलो आज बता देते हैं ठीक है अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा है आ, डी क्या होता है

तो मतलब टू टाइम्स ऑफ ए टू विल बीव टू ए वन प्लस ए बन जाता है आपका काम की फॉर्मूला ये जो बन गया ना ये काम का चीज बन गया ठीक है ये काम की चीज बन गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब क्वेश्चन में क्या है द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी रेस्पेक्टिवली पहली तीन टर्म्स दी हैं एपी में जो कि क्या है ये ये और ये है हमें क्या फाइंड करना है वाई की वैल्यू फाइंड करनी है जब इस तरीके का क्वेश्चन आए ना तो ये वाला फॉर्मुला लगा दो हमें पता है टाइम्स ऑफ किसके बराबर है 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 कैसे बताना है? भाई कॉमन डिफरेंस क्या होता यही होता है अब यहां से हमने इसको दोनों को इक्वल है भाई कॉमन डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस तो इक्वल है ए टू ए टू एक साइड कर दिया ए वन ए थ्री एक साइड कर दिया तो टू टाइम्स ऑफ ए टू विली टू ए वन प्लस ए थ्री सॉल्व करने बैठते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास लिख लेते हैं जरा अच्छा लिखने की जरूरत ही क्या है टू टाइम्स ऑफ ए टू सेकेंड टर्म है थ्री वाई प्लस फाइव थ्री वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है थ्री वाई माइनस का वन प्लस में आ, दूसरी टर्म है आपकी फाइव वाई प्लस वन फाइव वाई प्लस वन है ना ऐसा ही है भाई देख लो फॉर्मुला सही लगाया ना ए टू सेकेंड टर्म क्या है थ्री वाई प्लस फाइव है थ्री वाई प्लस फाइव है ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है थ्री वाई माइनस वन है थ्री वाई माइनस वन है और जो थर्ड टर्म है थर्ड टर्म क्या है वो है फाइव वाई प्लस वन फाइव वाई प्लस वन ठीक है अब सिंपल बचा ही कुछ नहीं सिंपल सॉल्यूशन बचा है ये हो गया है सिक्स वाई ये हो गया है टेन ये हो गया है एट वाई और एटी वाई बाकी तो खत्म ही हो गया बाकी तो खत्म ही हो गया माइनस वन प्लस वन खत्म तो यहां से जब हमने सॉल्व किया तो टेन इज इक्व टू एट वाई माइनस का सिक्स वाई टू वाई इज इक्व टू टेन वाई इज इक्व टू फाइव वाई की वैल्यू कितनी आ गई फाइव बताओ देख रहे हो Y इज इक्व टू फाइव डायरेक्ट ठीक है अब ठीक है अगर आपको यह चीज नहीं पता ना कोई बात नहीं मैं बोलता हूं नहीं पता मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं तीनों टर्म्स एपी में है ना इसको बोलो ए वन इसको बोलो ए टू उसको बोलो ए थ्री ए टू माइनस ए वन विल भी ये ऐसे कर लो ए टू माइनस ए वन विल्वल टू ए थ्री माइनस ए टू अब आपको सीधा ये फॉर्मला ना लगा के फिर ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है फिर x की टर्म से एक साइड लेके जानी पड़ेगी y की टर्म से एक साइड लेके जानी पड़ेगी यहां कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी पड़ जाता है बट ऐसे भी पूरा सॉल्व करोगे तब भी ठीक है तो यहां से आंसर क्या होगा भाई आंसर क्या आया है फाइव आया है आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है अब आज का लास्ट क्वेश्चन ठीक है लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा जो कि फिर से एक और जबरदस्त क्वेश्चन है ठीक है फिर से एक और अच्छा क्वेश्चन है बट यहां यूज हो रहा है इस चीज का अच्छा ये आपको देते हैं होमवर्क ये आपको देते हैं होमवर्क ट्राई करना इसको करने की ठीक है अब ये जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लिए थे हमने या तो ये प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं दो से तीन बार या फिर ये सैंपल पेपर में पूछे गए हैं ठीक है या फिर ये आपका कंपार्टमेंट का पेपर आता है उसमें पूछे गए हैं चारों के चारों क्वेश्चन हमने वहीं से उठाए हैं मतलब बोर्ड के पेपर से उठाए हैं सैंपल पेपर से उठाए हैं तो लगा लो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और केस स्टडी एक सैंपल पेपर से लिया है और एक लिया है प्रीवियस ईयर पेपर से 2021 के शायद 22 के 22 के 21 या 22 के एक 21 एक, एक, एक 22 का क्वेश्चन है और एक अभी का क्वेश्चन है केस स्टडी में ठीक है तो ये आपका है होमवर्क ट्राई करना सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एपी गिवन है इसके बराबर और हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस चार ऑप्शन गिवन है चारों में से देखते हैं कौन सा करेक्ट होता है ठीक है ये है होमवर्क अब कुछ क्वेश्चंस जो नहीं करवाए वो देखो जरा कुछ क्वेश्चंस जो करवाने थे बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम नहीं करवाए वो देखते हैं आ, पहला क्वेश्चन है कहा गया पहला क्वेश्चन है जो कि करवाना था बट चलो ठीक है टाइम की शॉर्टेज थी एक तो ये रहा मिडिल टर्म ऑफ एपी ठीक है बता देंगे कि होगा कैसे ठीक है बता देते हैं इनको होगा कैसे देखो मिडिल टर्म कैसे फाइंड करोगे मिडिल टर्म होती है बीच वाली बीच वाला अब सपोज करो अगर एन यहां पे सिंपल सी क्या फाइंड करना है आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है यहां पे क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है ए पता है डी पता है एनथ्र टर्म पता है सब पता है यहां पे देखो ए भी पता है सिक्स डी भी पता है फाइव और टर्म भी पता है जो कि दो सौ सोलह है यहां से एन की वैल्यू आ जाएगी अब यहां से बनते हैं दो केस यहां से बनते हैं आपके दो केस अगर एन की वैल्यू इवन होगी या फिर एन की वैल्यू होगी ऑड ठीक है दो केस बनेंगे सपोज करो एन की वैल्यू आती है पांच अगर पांच आएगी तो बीच की टर्म क्या हो जाएगी मिडिल टर्म क्या हो जाएगी ये वाली ये वाली फिंगर हो जाएगी बट अगर चार आई वैल्यू एन की वैल्यू चार आई तो बीच की क्या होगी ये दोनों होंगी ऐसे ही इनके केस में होता है अगर इवन होती है तो एन की वैल्यू अगर इवन होगी तो मिडिल टर्म बनेगी एन बाई टू कॉम एन बाई टू प्लस वन दो टर्म्स होंगी दो टर्म्स होंगी और वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको ठीक है बट अगर एन की वैल्यू ऑड आई तो उसके इसमें बनता है एन प्लस वन बाई टू एन प्लस वन बाई टू मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल एन की वैल्यू आती है थर्टी वन तो थर्टी वन प्लस वन, थर्टी तू, थर्टी तू, थर्टी तू थ टर्म इसकी मिडिल टर्म है सिक्सटी टर्म इसकी क्या है मिडिल टर्म है और उसको फाइंड करना है ठीक है एक इस टाइप का क्वेश्चन था जो कि करवाना चाहिए था इंपॉर्टेंट था बट नहीं करवाया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम बट अभी बता दिए कि करना कैसे है? ये आप लोग ट्राई कर सकते हो खुद से व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस इवन होगी तो ऑड होगी दोनों केस बता दिए अब एक और क्वेश्चन था इसमें जो कि ये रहा अब ये तो ईजी क्वेश्चन था ये तो आप लोग कर सकते हो ठीक है ये आप लोग कर सकते हो कि भाई हमें क्या पता है सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी गिवन है ट्वेंटी फोर और सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म गिवन है कितना फोर्टी फोर तो हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है यहां से सिंपल क्या फंडा बनता ये फंडा बनता कि ए फोर प्लस ए एट वो किसके बराबर है ट्वेंटी फोर के बराबर है दूसरा बनता ए सिक्स प्लस ए टेन वो किसके बराबर है फोर्टी फोर के बराबर है यहां से आपकी दो टर्म्स बनती ए और डी की आप वैल्यू फाइंड कर सकते थे फिर उसके बाद तो ए डी फाइंड आ जाता तो फिर तो सारी चीजें निकाल सकते हो ठीक है एक इस टाइप का क्वेश्चन था जो कि फिर से एक और अच्छा क्वेश्चन था ठीक है एक ये वाला अब ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम करवा चुके हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में हम करवा चुके हैं ये वही क्वेश्चन है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है जिसका फॉर्मूला क्या होता है जिसका फॉर्मूला होता है कि ए एन माइनस का ए एन विल बी इक्वल टू ए माइनस ए ये वही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है अब इसमें ये ना बोल के ये बोल दिया गया है कि क्या डिफरेंस निकालो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अच्छा द टू सेम कॉमन डिफरेंस अच्छा हाँ ठीक है सेम चीज है अब ये भी सॉल्व कर सकते ये चीज आप खुद सॉल्व कर सकते हो वो करवा दिया है एमसीक्यूज क्वेश्चन करवा दिया तो ये भी होना सिंपल सा है ये भी इजीली हो जाएगा ठीक है बाकी एक और अच्छा क्वेश्चन था जो कि आपकी स्क्रीन पर ये है ये भी अच्छा क्वेश्चन है नो डाउट दिस इज आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन ये आपका योरसेल्फ वाला क्वेश्चन है ठीक है जितने क्वेश्चन लेके आए हैं सारे के सारे बहुत ही जेन्युइन बहुत ही अच्छे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ठीक है चलो तो इस नोट पे करते हैं आपकी क्लास को समाप्त यह क्वेश्चन है होमवर्क बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के तौर पे ट्राई करना सॉल्व करना खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना नहीं आएगा तो फिर हम तो बैठे ही हैं बताने के लिए ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि बच्चे अब नेक्स्ट जो चैप्टर करवाना है वन शॉट आपको किस चैप्टर का चाहिए वो भी हमें बता देना ठीक है तो यहाँ पे इसी नोट के साथ होती है हमारी आज की क्लास समाप्त मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर गुड नाइट और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और आखिरी में कमेंट करना मत भूलना कि नेक्स्ट क्लास आपको कौन सी चैप्टर की चाहिए कौन सी क्लास कौन से चैप्टर का वन शॉट चाहिए ठीक है चलो धन्यवाद गुड नाइट